हेलो ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। यस प्रिंस, गुड मॉर्निंग ऑल एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। ओके, मेरी आवाज होपफुली आ रही होगी और मेरा वीडियो और विजिबल होगा, राइट? थैंक यू, गुड मॉर्निंग। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स क्रैक झारखंड एग्जाम में। मैं पल्लवी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। क्रैक जेपीएससी विद यू, विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी। हियर आई एम पल्लवी शर्मा, आई एम एम इन हिस्ट्री, आई एम एम इन एजुकेशन। आई हैव बीन टीचिंग टू जेपीएससी बीपीएससी एस्पायरेंट्स सिंस 2017। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मोर देन 7 इयर्स। सी हियर, आफ्टर गेटिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ An academy, you will be getting few facilities, that is daily live classes, live tests and quizzes, structured course and unlimited access. यहाँ पे देखो, structured course का हमारा मतलब है कि एक बार हमारा आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया प्लस सब्सक्रिप्शन, तो हमारा जितना भी कोर्स है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि हम सारा उस पर्टिकुलर कोर्स का सिलेबस कवर करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप कई बार कितनी भी तरीके से आप उसको, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को बार बार किसी भी डिवाइस के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पे आपको मौका मिलता है अपने मन पसंदीदा एडुकेटर से पढ़ने का। हमारा लाइव क्लासेस चलता है। यहाँ पे कुछ बैचेस हैं जो शुरू हुए हैं और कुछ बैचेस हैं जो शुरू होने वाले हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए। यहाँ पे विल टॉक समथिंग अबाउट अनअकैडमी का एडवांटेज क्या आपको मिलता है। ओके, सी यहाँ पे हमारा ऐसा शेड्यूल बनाते हैं हम, ताकि आपको सबसे पहले तो टाइम टू टाइम रिमाइंडर चला जाए कि हम क्या कोर्स करा रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे है, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करो। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मलयालम और तमिल के अलावा आप और भी 12 लैंग्वेज में सीख सकते हो। यहाँ पे आपको लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जितने भी हम लोग कोर्सेस कंप्लीट करा रहे हैं उन सबका आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आप पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है? और उसके साथ साथ आपने एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद आपको जितना भी बार मन है आपका उसके गो थ्रू आप जा सकते हो। यहाँ पे यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद योर एडुकेटर्स लाइव, ठीक है? जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप अपने एडुकेटर्स के सामने रख सकते हो और विल सॉल्व दैट आउट। ओके, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स को सुने जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। हियर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आंसर लाइव पोल्स। यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होते हैं, ठीक है? जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, किससे ओवरकम करना है आपको। और उसके बाद आप जो टेस्ट और क्विज़ेस देते हो उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डिटेल एनालिसिस का मतलब पूरा का पूरा उस रिपोर्ट, आपके द्वारा जो टेस्ट क्विज़ेस दिया गया है उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार होता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है टाइम टू टाइम कि किस टॉपिक पे आपने ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक में आपने ज्यादा फोकस नहीं किया और क्या क्या लूप होल्स रह गया। उसके बाद ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी कोर्स है, उसके आपको लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आप उसको बार बार गो थ्रू जा सको लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करती हूँ अपने कोड का, दैट इज रेफरल कोड है मेरा ये।
PSYT ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो और कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, अगर आप PSYT कोड का इस्तेमाल करते हुए कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, अगर मैं जेपीएससी का बात करूँ, हालांकि ये सिर्फ जेपीएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैं अगर जेपीएससी का बात करूँ तो देखो, जेपीएससी में अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो 1 month का 1400 है। ओके, और अगर मैं बात करूँ 12 month का और 24 months का तो 7700 और 11200 है। ओके, ईएमआई फैसिलिटीज है आपके पास। ओके, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये कुछ जो हमारी रकम थी वो कुछ घट करके इतनी हो जाएगी PSYT के रेफरल कोड से। और अब चलो हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हरप्पन कल्चर का पार्ट 3। आज के पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं हरप्पन कल्चर से रिलेटेड, वहां पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया है। ओके, यस, गुड मॉर्निंग श्रद्धा, गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, चलो, तो हमने अभी के पहले जितना भी टॉपिक डिस्कस किया है हरप्पा के बारे में, तुरंत एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं क्योंकि हम पार्ट 3 में मूव करेंगे। पार्ट 3 में मूव करने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या किया है इसका नॉलेज होना जरूरी है। और अगर आपने किसी भी कारणवश हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली गो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें, ताकि आपका जो लर्निंग है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो पाए, आपका जो बेस है हरप्पन कल्चर को लेके वो और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। सारे वीडियोस का लिंक आपका प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाए क्लिक करें, आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, और भी हमारा सोर्सेस और प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने कंप्लीट कराया सेशन, उसको आप देखें, ताकि हमारा जो सीरीज बनता आ रहा है फ्रॉम एंसेंट वी विल गो टूवर्ड्स मॉडर्न टाइम। ओके, तो पहले हम एंसेंट का जहां हमने शुरू किया था सोर्सेस से, उसके बाद हमने कवर किया प्री हिस्टोरिकल पीरियड, और अब हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज हरप्पा। तो आपका सीरीज अभी से ही बनना शुरू हो जाए और कोई एक बर्डन आपको बाद में ना फेस करना पड़े। तो देखो, हरप्पन पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था, हरप्पा पार्ट 1 में वी डिस्कस्ड अबाउट, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था टाउन प्लानिंग के बारे में। ठीक है, कि हरप्पा का टाउन प्लानिंग कैसा था, और ये एक बहुत यूनिक फीचर रहा हरप्पा के एक्सकेवेशन के बारे में। हरप्पा का एक्सकेवेशन के बारे में, मोहनजोदारो का कब एक्सकेवेशन हुआ उसके बारे में, फिर कैसे 1853 का जो एक्सकेवेशन हुआ था बाई कनिंगम, और ये जो आगे जाके के 1921-22 में एक्सकेवेशन हुआ, ये पूरे के पूरे सिचुएशन को बदल करके रख दिया। 1853 में सबसे पहले इस साइट को कनिंगम ने एक्सकेवेट किया और वहां से उन्हें एक सील मिला था। ओके, कनिंगम को 1853 के एक्सकेवेशन में एक सील मिला था जहां पे एक बुल और 6 कुछ लेटर्स लिखा हुआ था जिसको डेसिफर नहीं किया जा सका। डेसिफर मतलब इसको रीड नहीं किया जा सका। अच्छा, अब बताओ हरप्पन कल्चर को हम कहाँ डालेंगे? कहीं ना कहीं प्रोटो हिस्ट्री में डालेंगे, प्रोटो हिस्ट्री। अब याद करो प्री हिस्ट्री क्या था। प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, दैट इज प्री हिस्ट्री। तो जब प्री हिस्ट्री का बात करें तो पेरिलोथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड में पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां का अभी तक हमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिला। लेकिन अगर बात करो हरप्पा का, तो हरप्पा के लोग लिखना जानते थे क्योंकि वहां से बहुत सारे स्क्रिप्ट, बहुत सारे सील ऐसे मिले हैं जहां से पता चलता है कि हाँ, इनके पास लिखने की क्षमता थी, इनको लिखना आता था। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम उसको डेसिफर, अब डेसिफर का मतलब है कि हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरप्पन कल्चर को प्रोटो हिस्ट्री में डाला गया है। और 1853 में जब कनिंगम ने एक्सकेवेट किया तो वहां से एक नॉर्मल एक सील मिला, और उसमें जो थे चीजें बनी हुई वो थे एक बुल
और सिक्स लेटर्स के। उस समय कनिंगम ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, एंड व्हेन द लेटर पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड जब और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड खुदाई हुई हरप्पा और मोहनजोदारो की, तो पता चला कि भाई ये तो एक ऐसा इतिहास है जो पूरे के पूरे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट, इवन पूरे के पूरे वर्ल्ड के सिविलाइजेशन को चैलेंज करने वाला है, एंड दैट वाज हरप्पन सिविलाइजेशन। तो कनिंगम ने जब एक खुदाई की, नॉर्मली उस समय पता ही नहीं था कि अभी यहाँ से इतने कुछ मिलेंगे चीजें जिससे पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन हमारे सामने आएगा। ओके, फिर वहां से हमने और डिटेल एक्सकेवेट किया तो टाउन प्लानिंग के बारे में पता चला। हरप्पा का जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था वो वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर रहा। वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर क्यों था? क्योंकि भाई इस टाउन को इतना वेल प्लान्ड करके बनाया गया था कि पहले नीव की खुदाई की गई थी, उसके बाद नीव को डिजाइन करा करके उसके बेसिस पे पूरे के पूरे टाउन को कंस्ट्रक्ट कराया गया था। जो टाउन प्लानिंग हुआ था, पूरा का पूरा जो ब्रिक्स इस्तेमाल किया गया था वो सेम साइज का हुआ था। फिर ड्रेनेज सिस्टम उसका बहुत आकर्षित रहा था। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में बताया गया है कि कैसे 90 डिग्री के एंगल से हर एक घर से एक नाली निकलती थी, मेन नाली में जाकर के मिलती थी, और वो स्ट्रीट से 90 डिग्री के एंगल में आकर के कटती थी। ये सब हमने बात किया है। फिर ड्रेनेज सिस्टम का भी बात करें तो वो टाइम टू टाइम क्लीन होता था, है ना। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हाइजेनिक थे, टाउन प्लानिंग था इनका प्रॉपर। उसके बाद दो स्ट्रक्चर मिला हमें, दैट इज ग्रेट बात, ग्रेट ग्रैनरी, ये सारी चीजें मिली जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने एडवांस्ड रहे होंगे। इसके बाद कल की क्लास में जब हम आए तो कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे कैसे हरप्पा के लोगों ने क्या क्या चेंजेस, मतलब क्या क्या चीजें और आई हरप्पा के टाइम पीरियड में। हमने आगे फोकस किया था कि एक तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बाद हमने वहां के सोशल लाइफ के बारे में देखा था, हरप्पा का पॉलिटी देखा था कि वहां का पॉलिटी कैसा था, फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमी कैसा था वो देखा था। तो कल की क्लास में मोर और लेस हमने इन सारी चीजों पे फोकस किया। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज रिलीजन कैसा था, रिलीजियस नेचर कैसा था। ओके, रिलीजियस नेचर के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे सील के बारे में, हरप्पा के स्क्रिप्ट के बारे में, उसके बाद इमेजेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग एक सिविलाइजेशन था इसका कैसे डाउनफॉल हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग फेजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि याद होगा हरप्पन फेज तीन फेज में बटा हुआ था, अर्ली हरप्पा फेज, मच्योर हरप्पा फेज और लेट हरप्पा फेज। तो कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे हम हरप्पा की डिफरेंट फेजेस के बारे में। ऑलराइट, तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस हरप्पा कल्चर पार्ट 3। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस, हरप्पा टाइम पीरियड में रिलीजियस प्रैक्टिस कैसा हुआ करता था, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलो अब देखो, सबसे पहले तो हरप्पा के टाइम पीरियड में जितनी भी एक्सकेवेशन हुई है उस उसमें कहीं से भी हमें टेम्पल नहीं मिले, ठीक है, टेम्पल्स नहीं मिले। यानी कि ऐसा नहीं था कि ये लोग रिलीजियस नेचर के नहीं थे, हमें टेम्पल नहीं मिला, लेकिन हमें बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस के बहुत सारे अंश मिले हैं, ठीक। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हरप्पा टाइम पीरियड में हमें ऐसा कोई टेम्पल नहीं मिला जैसा मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन में था, लेकिन हमें बहुत सारे मूर्तियां मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि उनका रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। तो अभी हम फोकस करेंगे रिलीजियस प्रैक्टिस जो हरप्पा के टाइम पीरियड में होता था उसके बारे में। तो देखो, बहुत सारे हमें टेराकोटा के फिगरीन्स मिले हैं, ठीक है, जो कि विमेन को इंडिकेट करता है, ठीक है, विमेन अर्थ, दैट इज
अर्थ गॉडेसेस को इंडिकेट करता है। अब बहुत सारा टेराकोटा का फिगरीन मिला, उसमें से एक फिगरीन ऐसा मिला जहां पे बताया जा रहा है कि एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है एक फीमेल के भ्रूण से। ओके, फीमेल के एम्ब्रियो से एक प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, और ऐसा माना गया है कि ये जो गॉडेस है ये अर्थ गॉडेस है। ओके, जो कि जिनका मेन मकसद है फर्टिलिटी मेंटेन कराना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। रिलीजियस नेचर का अगर बात करें तो बहुत सारे हमें एक्सकेवेशन के थ्रू टेराकोटा का फिगरिंग मिला, जहां पे एक टेराकोटा के फिगरिंग से हमें क्या मिला कि एक प्लांट है जो एक विमेन के एम्ब्रियो, एक विमेन के भ्रूण से बाहर आ रहा है। ओके, जहां पे रिप्रेजेंट कराया जा रहा है कि ये विमेन जो है वो गॉडेस अर्थ है, ठीक है, यानी कि गॉडेस अर्थ है, और उसमें से क्या निकल रहा है, प्लांट निकल रहा है। दैट मीन्स ये जो अर्थ है ये फर्टिलिटी का केंद्र है। ओके, जहां से बहुत सारे पेड़ पौधे का सृजन उत्पत्ति हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद अगर बात करो, द हरप्पन्स देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज द फर्टिलिटी गॉडेसेस एंड वर्शिप्ड हर इन द सेम वे एज द इजिप्शियन वर्शिप द नाइल गॉडेसेस इसिस। ओके, तो ये याद रखना आप। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन्स वेर मेट्रियाकल और पेट्रियाकल सोसाइटी। देखो ये अनुमान, यहाँ पे हम लोग गॉडेसेस अर्थ को प्रे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा इंस्टेंस मिला है जहां पे फीमेल फिगरी नजर आया है, लेकिन इसे ये बताना काफी मुश्किल है कि वेदर एक मैट्रियार्कल सोसाइटी था कि पेट्रियार्कल, यानी कि फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ओके, अगर तुम बात करो इजिप्ट का, तो इजिप्ट बेसिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं था, इजिप्ट वाज अ फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वहां पे, वहां के रिकॉर्ड से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जहां पे एक जो डॉटर होती है, डॉटर क्या करती है, प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें हरप्पा के सोसाइटी से देखने को नहीं मिला। तो इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे गॉडेसेस का वर्शिप तो था, ओके, मातृ पूजन था, लेकिन वहां से ये पता लगा पाना कि वो बेसिकली मैट्रियार्की सोसाइटी था कि पैट्रियार्की, ये काफी मुश्किल है। ओके, अब बात करो सम वैदिक टेक्स्ट के बारे में, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट में भी क्या क्या दिया गया है कि अर्थ गॉडेसेस को एम्फेसिस कराया गया, ठीक है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, यानी कि अर्थ गॉडेसेस तो है, यानी कि कहीं ना कहीं गॉडेसेस का पूजा तो होता है, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंस मिले ये उससे आप अनुमान नहीं लगा सकते। इट टू अब यहाँ पे नॉर्मली बताया गया है कि ये जो गॉडेसेस है इनका प्रचलन कब से शुरू हुआ हिंदुइज्म में, तो ये सारी चीजें, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द वर्शिप ऑफ द सुप्रीम गॉडेसेस टू डेवलप ऑन अ लार्ज स्केल इन हिंदुइज्म। बेसिकली बात करो तो 6th सेंचुरी AD से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीमेल एंटिटी, डिफरेंट डिफरेंट फीमेल डीटी को पूजना शुरू किया था हिंदू कल्चर ने। अब यहाँ पे एक मेल डीटी का दिया हुआ है, तो सबसे पहले रिलीजियस वाले में देखोगे तो रिलीजियस वाले में पहले हमने बात किया था फीमेल गॉड का, ठीक है, फीमेल गॉडेसेस का, जहां पे हमने बात किया कि एक प्लांट है जो फीमेल के एम्ब्रियो से निकल रहा है, ठीक है, तो इससे बताया जाता है कि दे वर द वर्शिपर ऑफ फीमेल गॉडेसेस आल्सो, जिसको इंडिकेट कराया गया अर्थ गॉडेसेस थे, ठीक, और खुदाई में एक जगह हमें इस तरीके का एक मेल डीटी मिला है, ठीक है, जिसके थ्री हॉर्न्ड थे, ठीक है, और इसके इनके आजू बाजू बहुत सारे एनिमल्स थे, जहां पे नीचे की ओर दो डियर था। ओके, और ये जो मेल डीटी मिले हैं वो साधु लाइक योगी के पोज में बैठे हुए हैं,
जहां पे एक पैर दूसरे पैर के ऊपर लाई कर रहा है और ये पूरा का पूरा योगी पोज में बैठे हुए। तो अब बात करो, तो एक तो हमें फीमेल फिगर मिला और दूसरा एक मिला है मेल डीटी, और ये मेल डीटी खुद में एक बहुत चौंकाने वाली चीज थी, जो ये साफ साफ बताता था, जिसका तुलना मॉडर्न टाइम पीरियड के अलग अलग डीटी से किया गया है। ठीक है, तो अगर बात करो तो ये जो मेल फिगर मिला, दैट इज मेल डीटी हमें मिला है एक्सकेवेशन में, यहाँ पे एक मेल जो गॉड रहे हैं उनका थ्री हॉर्न से इनको दर्शाया गया है, जो एक साधु के पोज में लाइक एक योगी के पोज में बैठे हुए हैं। इनके आजू बाजू बहुत सारे जानवर सर्कुलेट हो रहे हैं। इनके यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे तुमको एलिफेंट, राइनोसोर्स, बफेलोज, ये सब मिलेगा, और जस्ट पैर के करीब दो डियर मिलेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मेल डीटी थे, मेल डीटी के साथ साथ एनिमल वर्शिप भी होता था। ठीक है, तो इस डीटी से पता चला है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग एनिमल वर्शिपिंग भी करते थे। यस राइट, यस प्रिंस यू आर राइट, दैट इज इसको माना गया है कि ये मॉडर्न पशुपति जो देवा है उनसे इनको कनेक्ट किया गया। ठीक, लेकिन ये कितना सही है कितना डाउटफुल है ये तो अभी हम 100% नहीं कह सकते, बट इसके बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में एक अनुमान लगाया गया है कि आज के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो मॉडर्न टाइम पीरियड में ये पशुपति महादेवा से इनका लिंक बैठ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैच नहीं करता है, तो हम 100% इसमें अश्योर नहीं हो सकते। अब देखो इस मेल डीटी का जो हमने बात किया उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द मेल डीटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन सील। ये जो मेल डीटी मिला ये वहां के हरप्पन सील से हमें मिला है। द गॉड हैज थ्री हॉर्न हेड, ठीक है, थ्री हॉर्न हेड है इनका, सिटिंग पोस्चर ऑफ ए योगी की तरह है, जहां पे एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है और पूरा का पूरा योगी पोस्चर में ये बैठे हुए। दिस गॉड इज सराउंडेड बाई एन एलिफेंट, अ टाइगर, राइनोसोर, और इनके जस्ट बिलो द थ्रोन बफेलो है और पैर के पास दो डियर्स हैं। द गॉड सो डिपेक्टेड इज आइडेंटिफाइड एज पशुपति महादेवा। ओके, अब आ जाओ ट्रीज एंड एनिमल्स वर्शिप। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिला, ये जो मेल डीटी देखने को मिला, इनके सराउंडिंग बहुत सारे जो एनिमल्स थे, इससे तो एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आता है कि दे वर द वर्शिपर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, ये लोग एनिमल्स को भी वर्शिप करते थे। ओके प्रिंस, अब आज जो ट्रीज एंड एनिमल्स वर्शिप का अगर बात करें, तो इंडस पीपल के जो लोग थे वो ट्रीज को बेशक वर्शिप करते थे। द डिपिक्शन ऑफ अ डीटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन सील अमंग ब्रांचेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी डीटी मिले हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे डीटीज मिले हैं सील में, जो कि कहीं ना कहीं पीपल के ब्रांचेस के सराउंड बैठ करके बैठे हुए पोस्चर में है। दिस ट्री कंटिन्यूज टू बी वर्शिप ऑन दिस डे एज वेल। अगर पीपल का बात करूं तो आज भी पीपल का एक बहुत बड़ा प्लेस है हिंदू सभ्यता में, तो उस समय भी बहुत सारे हरप्पन सील से ये देखने को मिला है हमें कि उस समय भी ट्रीज बेसिकली कौन सा, तो पीपल के ट्री का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। ओके, उसके बाद एनिमल्स वर आल्सो वर्शिप्ड इन हरप्पन टाइम्स एंड मेनी ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स। तो बहुत सारे एनिमल्स को भी सील में रिप्रेजेंट किया है। तो जब सील में ट्रीज एनिमल्स मिल रहे हैं गॉड के आसपास, गॉड गॉडेसेस के सराउंडेड, तो इससे पता चलता है ना कि दे वर आल्सो हैविंग अ वेरी होली प्लेस, दे वर हैविंग अ वेरी पायस प्लेस, तो उनको भी भगवान के साथ रखा गया है। दैट मीन्स पीपल यूज टू प्रे एनिमल्स एंड ट्रीज एज वेल। जहां पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक फेज आया, दैट इज
यूनिकॉर्न का, दैट इज वर्न हॉर्न एनिमल, और हम बुल का। याद रखना बहुत सारे गॉड गॉडेसेस को यहाँ पे उसके बारे में पता चला, ट्रीज एनिमल्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो एनिमल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिकॉर्न, ठीक है, और हम्ड बुल। हम्ड बुल ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, इन बहुत सारे सील्स मिले, लेकिन ये जो है, ये दो जो जानवर हैं, इनका एक बहुत विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा होगा हरप्पन सिविलाइजेशन में, ये हम लोग मान के चलते। ओके, तो नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस इज द हम्ड बुल। इवन टुडे व्हेन सच अ बुल पासेस थ्रू द मार्केट स्ट्रीट्स, पायस हिंदूज गिव वेट्स टू इट। सिमिलरली द एनिमल सराउंडिंग पशुपति महादेवा इंडिकेट दैट These were worshipped. तो ये जो इमेज हमें देखने को मिला था, यहाँ पे जो एनिमल्स सराउंडेड थे, यहाँ पे ये सबसे भी पता चलता है कि उस समय भगवान नल के अलावा जानवरों को भी वर्शिप कराया जाता था। ओके, यहाँ पे देखो, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस रीजन वर्शिप गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एनिमल्स एंड ह्यूमन, बट गॉड्स वर नॉट प्लेस्ड इन द टेम्पल। अगर मेसोपोटामिया का बात कर लो, तो मेसोपोटामिया में टेम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। किंग दूसरे किंग से फाइट करता था, हारने जो हार जाता था और जो जीता हुआ किंग था वो टेम्पल को कॉन्कर हासिल कर लेता था, उस टेम्पल को लूटता था, और कहीं ना कहीं टेम्पल पावर का भी सोर्स था। टेम्पल वॉज द सोर्स ऑफ मेनी थिंग ड्यूरिंग मेसोपोटामिया टाइम पीरियड व्हेन वी गो थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं जब हरप्पा का बात करो, तो हरप्पा में हमें गॉड गॉडेसेस की मूर्तियां तो मिली है, लेकिन मंदिर नहीं मिले। ठीक, गॉड गॉडेसेस की मूर्तियां अलोंग विथ एनिमल्स ट्रीज और अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के भी रूप में मिला, लेकिन इन गॉड्स को मंदिरों में नहीं रखा जाता था। ओके, यानी कि मंदिरों का कोई अंश सो फार हरप्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिला है हमें। नॉर कैन वी से दैट एनीथिंग अबाउट द रिलीजियस बिलीफ। अब देखो, एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है ये कि आप हरप्पा टाइम पीरियड के रिलीजियस बिलीफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक तो हमें जितना भी सील मिला है उसमें जो भी स्क्रिप्ट है, क्या आप उसको डेसिफर कर पाए हो? उसको हम डेसिफर आप उसको डेसिफर ही नहीं कर पाए हो। कनिंगम को जो सबसे पहला सील मिला था, जहां पे एक बुल और एक 6 लेटर का शब्द लिखा हुआ था, उसको हमने अभी तक डेसिफर नहीं किया। फिर 1921 के आसपास और भी अनलिमिटेड सील्स वगैरह मिले हमें, लेकिन उससे ये कतई पता नहीं चलता है कि वहां का रिलीजियस बिलीफ कैसा था। क्योंकि कहीं का भी रिलीजियस बिलीफ जानने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है आप उसको पढ़ सको। लेकिन हरप्पा के टाइम पीरियड का एक प्रॉब्लम ये रहा कि रिटन डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट द प्रॉब्लम रिमेन इज कि हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। तो उसके बारे में पुख्ता बता पाना कि ये ऐसा मानना था, ऐसा होता था, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। उसके बाद अम्यूलेट्स का इस्तेमाल किया गया। अम्यूलेट्स क्या है? तो बेसिकली तो ताबीज होते हैं, वो है अम्यूलेट्स। तो देखो, आज भी अम्यूलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ है इसके। ठीक, कि कोई भी एविल फोर्स या फिर भूत प्रेत इन सब से बचाने के लिए ताबीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं जब हमने हरप्पा को एक्सकेवेट किया, ओके, डिफरेंट साइट्स को जब एक्सकेवेट किया, तो वहां पे हमें सील्स मिले, वहां पे हमें बहुत सारा अलग अलग मेटेलिक टूल्स मिला, ठीक है, बहुत सारे टूल्स मिले, उसी में से कुछ एमुलेट्स भी मिले, दैट इज ताबीज भी मिला, जो कि ये बताता है कि हरप्पा के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल थिंग्स पे बिलीव रखते थे। वो कहीं ना कहीं आत्माओं पे, भूत प्रेत पे विश्वास रखते थे, और उनका मानना था कि ये जो एमुलेट है ये क्या करेगा, वो जितने भी एविल सोर्सेस है उनसे उनको
छुटकारा देगा, उनसे उनको फ्री रखेगा, उनसे उनको दूर रखेगा। तो कहीं ना कहीं जब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ, जब अलग अलग साइट को हमने एक्सकेवेट किया, तो बहुत सारे एमुलेट्स भी मिले हमें, और इस एमुलेट से पता चल पाता है कि दे समहाउ बिलीव्ड इन घोस्ट एंड एविल फोर्सेस, और जो कि इनको हार्म पहुंचा सकता था। तो इनको जब नुकसान पहुंचा सकता होगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एमुलेट्स पहनना शुरू किया, जिससे इनका बिलीव था कि जितने भी एविल फोर्सेस हैं इनसे दूर हो जाएंगे। इन एमुलेट्स के बारे में अथर्व वेद में भी कहा गया है, ठीक है। अथर्व वेद का अगर बात करो तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे चैंट्स दिए गए हैं, ऐसे ऐसे स्पेल्स किए गए, चार्म्स, जिसको पढ़ने से जो एविल फोर्सेस है वो दूर हो जाते हैं। और एमुलेट्स का भी वर्णन किया गया अथर्व वेद में कि अगर कोई एविल सोर्स है, आप बहुत सारे, अगर तुम बात करो एमुलेट्स को पहनो, अलग अलग जिसका मतलब होता है, उससे एविल सोर्स जितने भी है वो बाहर हो जाएंगे और जो डिजीज है वो भी बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अथर्व वेद का बात करो तो विच इज एसोसिएटेड विद द नॉन आर्यन ट्रेडिशन contain many charms and spells and recommends amulets to ward off disease and evil forces. Okay, अब बात कर लेते हैं हम लोग हरप्पन स्क्रिप्ट का, कि हरप्पन स्क्रिप्ट कैसा था। एक बात तो समझो कि हरप्पा का जो स्क्रिप्ट था वो आज तक हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए। ओके, मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट का बात करो तो मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट में क्या था, ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मतलब पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जहां पे एक एक मीनिंग के लिए एक एक डायग्राम का ये लोग इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज के लिए वो लोग पूरा का पूरा पिक्चर बना के इस्तेमाल करते थे, विंडो या फिर फिश। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट देखने को मिला जहां पे वो अल्फाबेट में लिखते नहीं थे बल्कि उसको ड्रॉ करते थे, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए उनके पास ड्रॉ था इन द सेंस उनके पास एक ऐसा इंडिकेशन था जिससे पता चले कि हाँ भाई अगर मैं फिश है तो फिश का इंडिकेशन ऐसा होगा और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग का इंडिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मेसोपोटामिया का बात करो तो मेसोपोटामिया का जो स्क्रिप्ट था वो क्यूनिफॉर्म था। क्यूनिफॉर्म मतलब बेसिकली वहां पे भी लेटर्स और सिलेबल नहीं थे, वहां पे पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में rather writing, they used to draw the picture and they used to communicate, okay, जिसमें बहुत मुश्किल आता था लोगों को, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती थी और बहुत different different types of problem उनको face करना पड़ता था। वैसे ही अगर तुम हरप्पा का बात करो तो हरप्पा के पास भी art of writings तो था, ठीक है, they knew how to write, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता था, आई मीन दे न्यू हाउ टू राइट, बट उनका जो राइटिंग है, उनका जो स्क्रिप्ट है, हमने अभी तक डेसिफर नहीं किया, मीन दैट इज आउट ऑफ द सोर्स ऑफ आवर रीडिंग, ओके, हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। जो पहला स्पेसिमेन मिला था हमको 1853 में बाई कनिंघम, जो एक सील मिला था, उस सील में एक कुछ 6 लेटर्स लिखे हुए थे और एक बुल बना हुआ था। तो ये जब हमें मिला 1853 में, और उसके बाद हमें बहुत सारे कंटिन्यूअस, बहुत सारे सील, बहुत सारे स्क्रिप्ट मिले 1921 से लेकर के 23 के बीच में, जब अलग अलग लोगों ने एक्सकेवेट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा, जब इतने सारे स्क्रिप्ट हैं हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी द मेन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कि हम उसको डेसिफर ही नहीं कर सकते, हम उसको रीड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
कि भाई इतना सारा सोर्स है हमारे पास जिसको पढ़ के पूरे के पूरे हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि इट इज नॉट, वी कैन नॉट डिकोड इट। अब बात कर लो अगर, तो बहुत सारे लोगों का मानना है ये कि जो इतना सारा स्क्रिप्ट हमें, इतना सारा सील मिला है, तो किसी का मानना है कि द्रविड़ियन स्टाइल में था, तो किसी का मानना है कि प्रोटो द्रविड़ियन लैंग्वेज था, तो किसी का कहना है संस्कृत था। लेकिन कितना भी हम अनुमान लगाए, जब इसको कंपैरिजन यानी कि हरप्पा स्क्रिप्ट को जब सुमेरियन स्क्रिप्ट से या फिर द्रविड़ियन स्क्रिप्ट से, संस्कृत स्क्रिप्ट से कंपेयर किया गया, तो एक ही नॉर्मल इवेल्युएशन, दैट इज नॉर्मल कंक्लूजन हमारे सामने आया कि ये जो स्क्रिप्ट था वो किसी के साथ मैच नहीं होता। यानी कि इनका एक अलग ही तरीका था चीजों को लिखने का, जो कि नॉन मैचेबल है किसी के साथ। अलग अलग स्क्रिप्ट के साथ ये मैच नहीं होता, अलग अलग लैंग्वेज के साथ ये मैच नहीं होता। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इसको डेसिफर नहीं किया है, उसी तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हमें कि ये बता पाना कि हड़प्पा का कितना रुझान था लिटरेचर में। क्योंकि ये कब पता चलता है हमें, जब हम उसके, जैसे अगर आप बात करो ग्रामेरियन पैनिनी का, तो पैनिनी का देखकर उसका, अगर उसका जितना भी राइटिंग्स है उसको देख के पूरा का पूरा अनुमान लगाया जा सकता था कि इस पर्टिकुलर इंसान का कितना ज्यादा कनेक्टिविटी रहा होगा लिटरेचर, ग्रामर, इन सब के साथ, राइट। लेकिन अगर हम बात करो हरप्पा टाइम पीरियड का, क्योंकि हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है जिससे पता चल पाए कि वहां पे उनकी जो राइटिंग थी, क्या पैटर्न था उसका, क्या तरीका हुआ करता था, हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, जिससे ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उनका जो लिटरेचर था वो लिटरेचर के प्रति उनका कैसा कॉन्टैक्ट था, उनका कैसा रुझान था, उनका आइडियाज ऑफ बिलीफ ये सब कैसा था, ये बता पाना खैर बहुत मुश्किल था। गुड मॉर्निंग अतुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बात कर लो ये जो स्क्रिप्ट मिला है हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में, ये स्क्रिप्ट का फीचर कैसा था। तो सबसे पहले तो ये जो स्क्रिप्ट मिला है वो बेसिकली हमें स्टोन सील्स, सील्स पे मिले हैं या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स में हमें मिले हैं। याद करो अगर मेसोपोटामिया का, तो मेसोपोटामिया के जो स्क्रिप्ट होते थे वो बहुत लॉन्ग, बहुत लेंदी हुआ करते थे, ठीक। इंस्क्रिप्शन वगैरह जो इंस्क्राइब कराया जाता था, बहुत लंबे लंबे इंस्क्रिप्शंस होते थे, रिटन थिंग। लेकिन अगर तुम बात करो हरप्पा के स्क्रिप्ट का, तो सबसे पहले तो इसको लिखा कहाँ जाता था, स्टोन सील्स पे लिखा जाता था, ठीक। और अगर ये इसको कंपेयर करो तो मेसोपोटामिया के साथ, तो मेसोपोटामिया में क्ले टैबलेट पे लिखते थे, क्ले टैबलेट, ठीक है, क्ले के टैबलेट में लिखते थे, उसको सुखाया जाता था, और इसका अपने में बहुत मेरिट्स और डिमेरिट्स था, ठीक। जिसको एक बार आप लिखोगे तो उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस कराना है तो दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते थे, ठीक। लेकिन अगर तुम बात करो हरप्पा का, तो हरप्पा में क्ले टैबलेट में नहीं लिखाया जाता था, बल्कि यहाँ पे स्टोन सील्स और बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं। मेसोपोटामिया और हरप्पा, मेसोपोटामिया और इजिप्ट का बात करो, तो यहाँ के जो इंस्क्रिप्शन होते थे बहुत लंबे होते थे, लेंदी होते थे। लेकिन अगर बात करो हरप्पा का, तो दे डिड नॉट बिलीव इन राइटिंग अ लॉन्ग स्क्रिप्ट। ये लोग बहुत शॉर्ट शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखते थे, ठीक है, कुछ लेटर्स का, ताकि वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत शॉर्ट हो, चीजें आसानी से समझ में आ जाए। और बेसिकली ऐसा भी था कि वो पर्सनल कम्युनिकेशन से ज्यादा उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इन सब चीजों के लिए। लेकिन अगर मेसोपोटामिया और इजिप्ट का बात करो, तो स्क्रिप्ट जितने भी मिले हैं हमें, सील्स जितने भी मिले हैं, वो अलग अलग प्रकार के मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये बहुत लेंदी हुआ करते थे, बहुत अलग अलग मैसेजेस होता था उसमें। लेकिन इसको कंपेयर करो हरप्पा से, तो हरप्पा का स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता था, बहुत कम राइटिंग्स होते थे उसमें, ठीक है। तो
मोस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर रिकॉर्डेड ऑन सील्स एंड कंटेन ओनली अ फ्यू वर्ड्स, बहुत फ्यू वर्ड्स के हुआ करते थे. दिस सील्स मे हैव बीन यूज्ड बाय द प्रॉपर्टी टू मार्क एंड आइडेंटिटी द प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो ऑब्वियसली जब बहुत छोटे छोटे लेटर्स के सील मिले हैं हमें, जिससे ये पता चलता है कि वो कैजुअली मतलब बेसिकली फॉर द फिक्स पर्पस वो लोग राइटिंग्स का इस्तेमाल करते थे, ट्रेड के लिए करते होंगे, प्रॉपर्टी मैम अपने प्रॉपर्टी का रखवाली करने के लिए करते होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के लिए वो लोग करते होंगे, लेकिन अब पर्सनल सोर्स के लिए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल एज फार अभी तक हम लोग ये अनुमान नहीं लगा पाए. अब बात करो तो हमें कहीं ना कहीं ऑल टुगेदर वी हैव अबाउट 250 टू 400 पिक्टोग्राफ्स, मतलब नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ द लेटर्स बट ऑन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. तो बहुत सारे ऐसे हमें सील्स मिले हैं जो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक. तो कहीं ना कहीं अगर देखो तो बहुत सारे स्क्रिप्ट मिले हैं दैट वाज इन पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ के स्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा फीचर था कि इसका जो स्क्रिप्ट हुआ करता था ये पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था. And in the form of picture, each letter stands for some sound and idea. ये चीज आपको मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलेगा कि हर एक लेटर जो था, यानी कि हर एक पिक्चर कोई ना कोई लेटर साउंड आइडिया को हाईलाइट करता था. तो तुम इमेजिन करो कि उनको कुछ भी चीजें लिखने के लिए कितनी सारी चीजों को याद करना पड़ता होगा, यानी कि राइटिंग जो होगा वो कितना डिफिकल्ट टास्क होता होगा, क्योंकि आज हमारे पास फिक्स अल्फाबेट है जिसके थ्रू हम राइटिंग्स करते हैं, लेकिन वहां पे वो लोग पिक्चर का इस्तेमाल करते थे जहां पे एक एक पिक्चर कोई ना कोई आइडिया साउंड ये सब कैरी करता था. तो उनको एक एक साउंड एक एक आइडियाज के लिए कितने सारे पिक्चर्स को याद करना होता होगा, दैट इज द हाइलाइटेड थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पा, इवन ऑफ मेसोपोटामिया. द हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट लार्जली पिक्टोग्राफिकल, यानी कि अल्फाबेटिकल नहीं था, पिक्टोग्राफिकल था. हर एक पिक्चर का कुछ ना कुछ आइडिया साउंड ये सब होता था. फिर इसको कंपेयर किया गया मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, लेकिन अलग अलग लाइक अब जो हमें मिला है हरप्पा का जो स्क्रिप्ट मिला है, इसके लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया, संस्कृत से तुलना किया, द्रविडियन पोस्ट द्रविडियन इन सब से तुलना किया, इवन सुमेरियन से हमने तुलना किया, लेकिन इन सारे लैंग्वेजेस में कहीं पे भी हरप्पा के लैंग्वेज को क्या लिखा हुआ है उसको डेसिफर करना मुश्किल है, यानी कि ये बताता है कि इनका एक अपना लैंग्वेज रहा होगा. दूसरी बात, ये जो राइटिंग का मोड था, स्क्रिप्ट था, इसको मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी कंपेयर किया गया, बट कोई ऐसा सो फार सोर्स नहीं मिला जो ये बता पाए कि इनका जो राइटिंग्स था ये पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं मैच करता था दूसरे सिविलाइजेशन से. अब वेट एंड मेजरमेंट, अब देखो जब वेट एंड मेजरमेंट का बात करते हैं तो प्रोबेबली वी डू टॉक अबाउट ट्रेड, है ना. जब ट्रेड का बात करते हैं तो वेट एंड मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कल तो हमने थोड़ा बहुत देखा कि ट्रेड रिलेशन कैसा था, और ट्रेड रिलेशन में हमने देखा था कि ये जो हरप्पा के लोग थे वो सिर्फ अपने रीजन में व्यापार नहीं करते थे, बल्कि हरप्पा के लोग अपने रीजन से बियॉन्ड जाकर के इवन राजस्थान गुजरात इन सारी जगह इन्होंने ट्रेड किया, अफगानिस्तान ट्रेड किया, और भी बाहर बाहर इवन मेसोपोटामिया तक का हमें बहुत सारा स्रोत देखने को मिला है, जहां पे मेसोपोटामिया का कुछ आइटम्स हरप्पा आता था और हरप्पा का कुछ आइटम्स मेसोपोटामिया में देखने को मिला. दैट मीन्स यहाँ का जो ट्रेड था बहुत स्ट्रॉन्ग रूट कवर करता था, और ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था, आदान प्रदान होता था सामान का, बाइलैटरल प्रोसेस चलाता था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम जो व्यापार करते थे
व्यापार करने के लिए यहाँ पे जो चीजें मैन्युफैक्चर होती थी उसका जो रॉ मटेरियल था वो बाहर के देश से आता था, हम मैन्युफैक्चर करते थे, हम बाहर भेजते थे। तो अब जब हम इतने भारी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं तो जरूरी है हमारे पास एक नॉलेज हो कि वेट एंड मेजरमेंट का, है ना। विदाउट वेट एंड मेजरमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो द नॉलेज ऑफ अ स्क्रिप्ट मस्ट हैव हेल्प्ड इन रिकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो अब भाई बात समझो कि ये जो स्क्रिप्ट रहा, ये स्क्रिप्ट काफी डिफिकल्ट, मतलब ये बहुत लॉन्ग राइटिंग नहीं होता था, बहुत लंबा लंबा राइटिंग नहीं होता था, जहां पे पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। स्क्रिप्ट का अमूमन इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड के लिए, जहां पे प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करने के लिए, लैंड खरीद बिक्री के लिए या फिर अन्य किसी कारण के लिए इस स्क्रिप्ट का, शॉर्ट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते होंगे लोग। फिर द अर्बन पीपल ऑफ द इंडस रीजन ऑल्सो नीडेड एंड यूज वेट्स एंड मेजरमेंट फॉर ट्रेड एंड अदर ट्रांजेक्शन। अब व्यापार करने के लिए, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए इनको कुछ ना कुछ एक ऐसा वेट मेजरमेंट का जरूरत पड़ता होगा जिससे एक अनुमान लगाया जा सके कि हाँ इतना वेट मेजर ये चीज कैरी कर रहा है, उसका क्या, किस चीज से इसको एक्सचेंज करना है। अच्छा ये बताओ, क्या कल की क्लास में मैंने बताया था, कमेंट करके जरूर बताओ प्लीज, कि क्या हरप्पा टाइम पीरियड में जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, क्या हम वहां पे मनी का इस्तेमाल करते थे तो वो क्या था? अगर नहीं करते थे तो मनी के अलावा, अलावा क्या, मनी के बदले हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे? प्लीज कमेंट और इसका जवाब दो कि जब हम हरप्पा टाइम पीरियड में व्यापार कर रहे थे तो उस व्यापार में एक्सचेंज करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता था। ठीक, जैसे मॉडर्न टाइम पीरियड का तुम बात करो तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्यापार करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्या हरप्पा टाइम पीरियड में मनी था? हाँ तो क्या था वो? और मनी नहीं था तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे? और उस सिस्टम को क्या कहा गया था जो बी से स्टार्ट था? बी सिस्टम था, कल डिस्कशन किया था हमने, वो क्या था? आप कमेंट करके बताएं। ओके, द अर्बन पीपल ऑफ द इंडस रीजन ऑल्सो नीडेड एंड यूज वेट एंड मेजरमेंट ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए न्यूमरस आर्टिकल्स। अब अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता था वेट एंड मेजरमेंट के लिए। ओके, जब सामान खरीद बिक्री हो रहा है तो सामान खरीद बिक्री के लिए अब कैसे पता चलेगा कि कितना यूनिट है ना? तो उसके लिए ये लोग अलग अलग आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग सामान का इस्तेमाल करते थे तौलने के लिए चीजों को। जैसे आज भी, मतलब मॉडर्न इंडिया में भी अगर देखो तो सोलह आना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो वहां पे भी अगर वेट एंड मेजरमेंट में देखो तो ये 16 जो यूनिट है, ये 16 का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 16 एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन, दे शो दैट इन वेइंग लार्जली 16 और इट्स मल्टीपल वर यूज्ड, यानी कि बेसिकली नापने के लिए, ठीक है, तोलने के लिए 16 या उसके मल्टीपल का इस्तेमाल करते थे ये लोग। और ये जो 16 है ये मॉडर्न टाइम पीरियड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि अगर तुम बात करो तो 16 अनास कंस्टिट्यूटेड 1 रुपीज। तो हरप्पा न्यू द आर्ट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करना ट्रेड के लिए, दे न्यू दैट। ओके, अब आ जाओ पॉटरीज के बारे में। अब ये पॉटरी ऐसा है कि हम लोगों ने देखा कि न्योलिथिक या फिर चालकोलिथिक का बात किया, या फिर तुम आ जाओ मिसोलिथिक में भी, तो पॉटरी लगातार डेवलप कर रहा था, लेकिन द आर्ट ऑफ पॉटरी वॉज चेंजिंग। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग पॉटरीज हमें मिला, लेकिन पैटर्न बदला, पैटर्न के साथ साथ डिजाइन बदला, पैटर्न के साथ साथ डिजाइन के साथ साथ कलर्स बदले। तो आज हम बात करेंगे पॉटरीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन के, पॉटरीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ अलग अलग स्टाइल के ये लोग पॉटरीज करते थे, जहां पे ये लोग एक सर्कुलर सर्किल सर्किल बनाते थे जानवरों को, इवन अलग अलग डीटीज को,
ये लोग पेंट करते थे, अलग अलग डिजाइन का पॉटरी करते थे, फिर डिश ऑन स्टैंड इस तरीके का पॉटरी ये लोग बनाते थे, ठीक है, एक स्टैंड पे खड़ा हुआ है, फिर ये अलग अलग डिजाइन का पॉटरीज, बेसिकली रेड इन कलर का ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब आ जाओ हरप्पा के पॉटरीज के बारे में बात करूं, तो जो हरप्पा का पॉटरी था, ग्रेट एक्सपर्टीज मतलब बहुत ज्यादा जो स्किल मैन थे, ठीक है, बहुत ज्यादा जो हुनर रखते थे बनाने का वो बनाते थे, और बहुत सारा पॉटर्स विल, ठीक है, पॉटर्स विल हमें मिला है जब हमने बहुत एक्सकेवेट किया हरप्पा को, तो वहां से पता चलता है कि कुछ पॉटर्स व्हील मिले हैं हमें। उस पॉटर्स व्हील के द्वारा क्या होता था, पॉटरी बनता था, बेसिकली डिश ऑन स्टैंड पॉटरी का बहुत ज्यादा चलन था, दैट इज डिश ऑन स्टैंड पॉटरी, ठीक है, डिश ऑन स्टैंड पॉटरी है ये, इसका बहुत ज्यादा चलन देखने को मिला है। अब न्यूमरस पॉट हैव बीन फाउंड पेंटेड विद अ वैरायटी ऑफ डिजाइन, अलग अलग डिजाइन का होता था पेंटिंग, जहां पे बहुत सारे सर्कल बने होते थे, इमेजेस, मेन, इवन जानवर, ट्रीज, इन सब का इमेजेस बना होता था। देखो बहुत सारे पॉटरीज हैं, डिश ऑन स्टैंड पॉटरीज है, अलग अलग पॉटरीज में अलग अलग जानवर, ट्रीज, ये सारे के डिजाइन होते थे, यानी कि ये लोग जो पॉटरी कर मतलब जो पॉटरी होता था, जो आर्टिशियन इसमें इन्वॉल्व होते थे, वो बहुत स्किलफुल होते थे, उनको बहुत हुनर हुआ करता था, और बहुत बखूबी उस चीजों को रिप्रेजेंट करते थे थ्रू देयर वर्क इन पॉटरीज। ओके चलो अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉटरीज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब बात कर ले तो सील के बारे में हम लोग बात करते हैं, ओके, हरप्पन सील। अब हरप्पन सील तो याद करो जो पहला चीज हमें मिला था एक्सकेवेशन में, हरप्पा का जो पहला चीज हमें मिला था दैट वाज सील ओनली, जब 1853 के लगभग कनिंघम एक्सकवेट कर रहे थे, तो वहां पे जो पहली चीजें हाथ लगी थी वो था सील। सील जहां पे एक बुल अलोंग विथ 6 लेटर, ठीक है, प्लस 6 लेटर्स लिखा हुआ था। उस लेटर का क्या मतलब था, इसका तो अनुमान नहीं लगाया जा सका है, इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सका है क्योंकि उसको डेसिफर करना मुश्किल है, लेकिन यस, हरप्पन सील इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सबसे पहली चीज मिली हमें दैट वाज द सील ओनली ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, तो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हमें बहुत ज्यादा सील मिला है। जो हरप्पा सील है वो अर्ली हरप्पा, मच्योर हरप्पा और लेट हरप्पा को दिखा रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ हरप्पा का डिफरेंट डिफरेंट सील हमें देखने को मिला है। ओके अब आ जाओ सील्स के बारे में बात करो, तो ये बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक क्रिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि सील बनाना भी बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक नेचर का हुआ करता था, हर कोई सील बनाने के लिए नहीं एप्लीकेबल होता था, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शार्प हुनर चाहिए होता था, और ये क्या करता था, पूरे के पूरे हरप्पा कल्चर को दिखाता है सील। जैसे हमें एक सील मिला जहां पे हम्ड बूल था, तो हम्ड बूल से ये पता चलता है कि ये जो हम्ड बूल हुआ करता होगा वो हरप्पा के टाइम पीरियड में बहुत अहमियत रखता होगा, कहीं ना कहीं हमने उसको रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जोड़ा। तो अगर आप सील देखो हरप्पा के टाइम पीरियड का या फिर किसी भी टाइम पीरियड का, तो उस समय का ब्यौरा दिया जाता है कि किस तरीके से वो लोग पूरा का पूरा इस्तेमाल किया करते होंगे। तो अब देखो अबाउट 2000 सील्स हैव बीन फाउंड एंड ऑफ दीज अ ग्रेट मेजोरिटी कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस एंड पिक्चर्स। तो बहुत सारे हमें सील्स मिले हैं जहां पे ऑब्वियसली इनमें जो सील हुआ करता था ये बेसिकली शॉर्ट इंस्क्रिप्शन यानी कि शॉर्ट राइटिंग्स पिक्टोरियल फॉर्म में होता था, जहां पे वन हॉर्न एनिमल्स कॉल्ड यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मतलब वन हॉर्न एनिमल थे, उनका उनका पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, बफेलोस, टाइगर्स, राइनोसोर, स्कॉट, एलिफेंट,
मतलब अगर तुम देखो तो सील में क्या मिलेगा, तो सील में एक तो वहां के कल्चर को दिखाया जाएगा, बहुत सारे जानवरों को रिप्रेजेंट कराया जाएगा, और ये जो था ये स्टेटाइट से बनता था, दैट इज सोप स्टोन। ये जो सील था वो सोप स्टोन से बना हुआ करता था, ओके। और ये सिंबल ऑफ अथॉरिटी था, यानी कि एक जो अथॉरिटी है वो इसको बनाया करते होंगे, ये इसका इस्तेमाल करते होंगे या तो प्रॉपर्टी के लिए या तो चीजों को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि जो सिटाडल में लोग रहते होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब सिटाडल क्या था, तो सिटाडल है अपर टाउन, है ना। सिटाडल क्या है, एक अपर टाउन था एक लोअर टाउन था। जब हमने हरप्पा के टाउन के बारे में बात किया, तो जो सिटाडल अपर टाउन था वहां पे रूलिंग क्लास रह रहे थे। तो ये जो रूलिंग क्लास थे, बेसिकली वो लोग सील का इस्तेमाल करते थे, या फिर व्यापारी मर्चेंट सील का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर जो प्रॉपर्टी मैन थे वो सील का इस्तेमाल करते होंगे चीजों के आदान प्रदान के लिए। इसका इस्तेमाल स्टैम्पिंग के लिए भी किया जाता था, ठीक है। सील का इस्तेमाल स्टैम्पिंग के लिए भी किया जाता था, और बहुत सारी जगह से हमें सील का बना हुआ एमुलेट्स, ताबीज भी मिला है। तो वी सी दैट सील जो था हरप्पा टाइम पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट। अब इमेजेस का बात कर लो, तो इमेजेस में बात करने से पहले कुछ इमेजेस देखो। यहाँ पे हरप्पा के टाइम पीरियड में हमें कुछ इमेजेस मिला एक्सकेवेशन के दौरान। एक डांसिंग गर्ल का इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डांसिंग गर्ल का इमेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर एक हमें इमेज मिला एक मेल का, ठीक है। अगर देखो तो यहाँ पे इसने हेयर बैंड टाइप ऑफ कुछ पहना है, हेयर बैंड टाइप ऑफ कुछ पहना है, और इसके बाल पीछे जा करके बंधे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने पहना है जैसे लूज शॉल ओढ़ते हैं ना, एक हाथ को अंदर से कवर करके दूसरे कंधे में शॉल डालते हैं, तो ये पुरुष ने उसी तरीके का कुछ कपड़ा ओढ़ा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इट्स लाइक अ शॉल, है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखो तो बहुत सारे इमेजेस हमें मिले हैं, जिसमें से जो मुख्य कुछ इमेजेस है दैट इज ऑफ डांसिंग गर्ल। और ये जो इमेज मिला, इन सब से वहां का कल्चर मोटा मोटी हमारे सामने आता है। तो हरप्पन आर्टिशन मेड ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ मेटल, तो बहुत सारे मेटल का इस्तेमाल करके अलग अलग इमेजेस बनाते थे, जहां पे अ वुमेन डांसर, एक वुमेन डांसर है जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, इज द बेस्ट स्पेसिमेन। याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन डांसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें मिला है, जिसका फीचर है कि वो पहले तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, नेकलेस पहना हुआ है, प्रोबेबली नेकेड है, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब फ्यू पीसेस ऑफ हरप्पन स्टोन स्कल्चर हैव बीन फाउंड, कुछ कुछ हमें स्टोन स्कल्चर भी मिला है, और एक सोप स्टोन का स्टैच्यू मिला है हमें, जहां पे एक पुरुष है रोप पासिंग, मतलब जो ढीले ढीले कपड़े पास हो रहे हैं उनके शोल्डर से, वो उन्होंने पहना हुआ है ओवर द लेफ्ट शोल्डर अंडर द राइट आर्म्स। लेफ्ट शोल्डर से पहना हुआ है और राइट शोल्डर, राइट जो आर्म्स है उसके पीछे से जा करके आगे की ओर आया है, इट्स लाइक अ शॉल, शॉल की तरह है। एंड द शॉर्ट लॉक्स एट द बैक ऑफ द हेड आर द हेल्ड इन द प्लेस बाय अ वूवन फिल्ट। यानी कि अगर यहाँ देखो, इसको एक बार और देखो, तो एक सोप स्टोन का हमें एक स्पेसिमेन देखने को मिला है, जहां एक पुरुष को बनाया गया है, जहां पे लेफ्ट शोल्डर से इनका शॉल जा रहा है, राइट शोल्डर के अंदर से आके कवर कर रहा है, जो शॉल की तरह प्रतीक हो रहा है, ओके। इनके हेयर में ये कुछ फिल्थ किया हुआ है, दैट इज हेयर बैंड का इस्तेमाल किया हुआ है, और पीछे जाकर के पूरे बाल को लॉक किया गया है, तो ये कुछ मिला है हमें। फिर टेराकोटा फिगरीन के बारे में हम बात करते, तो अब देखो टेराकोटा मतलब क्या है। टेराकोटा का मतलब होता है फायर बेग्ड अर्दन क्ले, ओके। फायर बेग्ड पकी हुई मिट्टी से बना हुआ जो भी मटेरियल है,
तो वो टेराकोटा कहलाता है। ओके तो अब टेराकोटा का बात करें हम तो कुछ हमें टेराकोटा फिगरीन देखने को मिला। ओके तो अब टेराकोटा फिगरीन में क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट किया गया, बर्ड्स, डॉग्स, शिप, कैटल, मॉन्कीज, इन सबको दिखाया गया है। टेराकोटा फिगरीन से कुछ कुछ वर्शिप का भी डीटीज हमें मिला है। उसके बाद मेन एंड वुमेन आल्सो फाइंड अ स्पेशल प्लेस इन द टेराकोटा ऑब्जेक्ट। तो याद रखो टेराकोटा जो फिगरीन मिला है वहां पे फीमेल, मेल, इवन एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको दिखाया गया है। और ये टेराकोटा फिगरीन फायर बेक्ड अर्थन क्ले से बना हुआ करता था। अब देखो यहाँ पे भी एक डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है, एक चीज याद रखो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। एक चीज देखो कुछ तो हमें ब्रॉन्ज के मिले, चलो हम लोग इस पिक्चर से ही देख ले, ठीक है, ये जो स्टैचू मिला ये ब्रॉन्ज का मिला या फिर बहुत सारे अलग भी मेटल के स्टैचूज मिले हैं। ये जो एक स्टैचू मिला है वो कहीं ना कहीं सोप स्टोन का मिला है। इनके अलावा बहुत सारे कुछ हमें डीटीज मिले हैं या फिर बहुत सारे कुछ स्टैचूज मिले हैं जो कि टेराकोटा से बना हुआ है, ठीक है, टेराकोटा का बना हुआ है। अब टेराकोटा क्या है, तो पकी हुई मिट्टी से जो बना हुआ था होता था स्टैचू उसको बोला गया है। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो लोग यूज कर रहे थे ना ये अपर क्लास लोग यानी कि जो रूलिंग लोग थे बेसिकली जो सिटाडल में रहते होंगे, जो पैसा होता होगा मतलब जो वेल्दी होते होंगे वो इस्तेमाल करते होंगे इस तरीके के स्टैचूज का। और जो एक कॉमन लोग होते होंगे जो लोअर टाउन में रह रहे थे, जो कॉमन पीपल थे वो टेराकोटा के ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल करते होंगे। तो हियर ऑल्सो विद द यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फिगर एंड फिगरीन यू कैन एनालाइज कि हाँ भाई क्लास डिवीजन तो था वहां पे, क्लास डिवीजन था एक इमेज जिसको बनाने में बहुत स्किल चाहिए, ठीक है, बहुत डेवलप्ड स्किल चाहिए, उसको अपर क्लास इस्तेमाल कर रहे। और जो टेराकोटा था, टेराकोटा को प्रोबेबली जो लो टाउन के पीपल थे वो इस्तेमाल कर रहे। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही बताया गया द सील एंड इमेजेस वर मैन्युफैक्चर्ड विद ग्रेट स्किल्स बट द टेराकोटा पीसेस रिप्रेजेंट द अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क। तो ये जो इमेज बना ये तो कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज का भी बना, सोप स्टोन का भी बना, जिसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्क था, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक वर्क नजर आ रहा है, ठीक, इसको इस्तेमाल किया जाता होगा एलीट्स के द्वारा। एलीट्स का बात कहूं तो जो रूलिंग क्लास थे उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और जो टेराकोटा पीसेस थे उस वो अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क को दर्शा रहे, ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क जो कि कॉमन पीपल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो आप यहां से भी अनुमान लगाओ कि थ्रू द इमेजेस का यूज करना उससे भी पता चलता है कि हाँ समाज में डिवीजन था। क्योंकि एक तो हमने टाउन प्लानिंग के समय पढ़ा था कि जो टाउन था ये दो पार्ट्स में बटा हुआ था, एक था अपर टाउन जिसको सिटाडल बोला गया था और एक था लोअर टाउन, सॉरी दिस इज अपर टाउन, और एक तो लोअर टाउन जहां पे कॉमन पीपल रह रहे थे। यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ देखने को मिला, यहाँ पे ग्रेनरीज देखने को मिला और लोअर टाउन जो था वो कॉमन पीपल के लिए था। तो जो लोअर टाउन के लोग थे वो बेसिकली टेराकोटा का इस्तेमाल करते होंगे इमेज का, और ये लोग जो थे मेटालिक इमेजेस का इस्तेमाल करते होंगे। इज इट क्लियर? कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट्स को क्लियर करो, आप अपने डाउट्स को पूछो थ्रू कमेंट। ओके यस श्रुति गुड मॉर्निंग। आई अगेन टेलिंग यू इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट यू प्लीज आस्क थ्रू कमेंट, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल आउट। अब स्टोन वर्क का बात करो तो बेसिकली देखो स्टोन वर्क से पहले देखो जब हरप्पा का बात करो
हरप्पा की बात में जब हमने टाउन प्लानिंग देखा तो उस टाउन प्लानिंग में हमने ये देखा था कि भाई ये इतना आकर्षण का केंद्र है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था वो बर्न्ट ब्रिक्स था, ठीक है, और इतने एलिगेंट तरीके से उसका इस्तेमाल किया था कि ये एक आकर्षण का केंद्र बना था, राइट? तो वैसे ही अगर हम बात करें स्टोन वर्क का, तो हमें बहुत ज्यादा स्टोन वर्क देखने को नहीं मिला, क्योंकि हरप्पा टाइम पीरियड में जितनी भी चीजें, चाहे वो ग्रेट बाथ, चाहे वो ग्रेनरी, चाहे वो टाउन सेटलमेंट देखने को मिला, वो बेसिकली ब्रिक्स वर्क था, ठीक? लेकिन कहीं कहीं से हमें देखने को मिलता है इंसिडेंस जहां पे स्टोन वर्क, ड्रेस्ड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है महल वहर बनाने के लिए। तो स्टोन स्लैब इज यूज इन थ्री टाइप्स ऑफ ब्यूरियल्स। तो ब्यूरियल्स का बात करो तो ब्यूरियल्स में भी इस्तेमाल किया गया है स्टोन वर्क्स का। अब ब्यूरियल्स थ्री काइंड्स क्या था, ये कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था ना कि तीन टाइप्स ऑफ ब्यूरियल्स था। एक तो कंप्लीट ब्यूरियल, दूसरा फ्रैक्शनल ब्यूरियल, फिर तीसरा पोस्ट क्रीमेटेड, पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल था। कल तीन टाइप का ब्यूरियल हमने देखा था, कंप्लीट ब्यूरियल, फ्रैक्शनल ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल। तो कहीं ना कहीं स्टोन स्लैब्स का इस्तेमाल किया जाता था ब्यूरियल्स के लिए भी। और याद करो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सभ्यता में, यानी कि ब्रॉन्ज एज के पहले भी, हमने बहुत सारी जगह में देखा कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरियल था इसका एक अलग ही अलग कल्चर हुआ करता था। जहां पे हमने कुछ इंसिडेंट साउथ इंडिया का देखा, और कहीं कहीं से हमें एक ऐसा ब्यूरियल देखने को मिला था जहां पे अलोंग विद द डेड बॉडी, डेड बॉडी के अलोंग बहुत सारे गुड्स, उनके इस्तेमाल के सामान को भी दफनाया जाता था, ताकि उनका जो अगला जन्म हो वो सॉर्टेड रहे, कंफर्ट से भरा रहे। और इस ब्यूरियल को के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिसको क्या कहा गया है, मेगालिथ्स। यहाँ पे लिखती हूं मैं, इसको मेगालिथ्स कहा गया है, ठीक है? तो बहुत सारी जगह ये सभ्यता भी है कि डेड बॉडी के साथ बहुत सारे यूजफुल गुड्स रखे जाते थे, ताकि उनका जो अगला जन्म हो वो कंफर्ट से भरा हुआ हो, उनको कोई कमी ना हो। और उस डेड बॉडी ब्यूरल के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिसको मेगालिथ कहा गया है। मेगालिथ, मेगा मतलब बहुत बिग, और लिथ मतलब स्टोन। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है, ओके? अब बात करेंगे एंड ऑफ इंडस कल्चर के बारे में, कि जो इतना बड़ा सभ्यता था, इतना जो डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, इसका एंड हुआ। ओके, टुडे राइट नाउ विल टॉक अबाउट द एंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, कि कहीं ना कहीं इंडस सिविलाइजेशन एंड हो रहा है, खत्म की पोजीशन पे आ गया है। तो इसका क्या कारण रहा? तो देखो, यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन का एंड का कारण बहुत सारा है, बहुत सारा है। अलग अलग जगह अलग अलग कारण दिया हुआ है, लेकिन किसी भी एक कारण में हम 100% रिलाई नहीं करेंगे। चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो, अगर बात करो तुम, ट्रेड का हो, चाहे वो अर्थक्वेक का बात हो, बहुत अलग अलग, ह्यूमन इंटरफियरेंस का बात हो, तो बहुत अलग अलग कारण बताया गया है हरप्पा कल्चर के डिक्लाइन का। लेकिन कोई भी एक ऐसा पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है जो ये बताए कि 100% आप उस पर रिलाई कर सकते हो। नो, इट इज नॉट देयर। और दूसरा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे को देखने को मिला, कि देखो कोई भी कल्चर ऐसा नहीं होता है कि रातों रात गायब हो जाता है ना?
कोई भी कल्चर ऐसा नहीं होगा जो रातों रात गायब हो जाएगा एक दिन में खत्म। इतना प्रख्यात फैला हुआ सिविलाइजेशन एक दिन में खत्म हो जाए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग फेज में, अलग अलग टाइम पीरियड में इंडस कल्चर एंड होता नजर आया हमें। जहां पे कहीं पे पहले हुआ, कहीं पे बाद में हुआ, और धीरे धीरे करते करते अब ये दूसरा जो कल्चर है वो शुरू हो रहा है और एक कल्चर खत्म हो रहा है। जैसे चालकोलिथिक पीरियड क्या था? चालकोलिथिक कल्चर रातों रात खत्म नहीं हुआ था। चालकोलिथिक कल्चर की एंड में कुछ 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 ब्रॉन्ज कल्चर आ गया था और ये डेवलप्ड होके हड़प्पा में बदला होगा। हड़प्पा भी एक रात में खत्म नहीं हुआ होगा यहाँ का कल्चर। ये धीरे 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 कर करके ये खत्म हुआ होगा और फिर दूसरे कल्चर के निर्माण का कारण रहा होगा। तो चलो बात कर लेते हैं, मच्योर हड़प्पा कल्चर एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 BC टू 1900 BC। मच्योर हड़प्पा कल्चर का ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट रहा। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इट सीम्स टू हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ टूल्स, वेपन्स एंड हाउसेस। यानी कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है मच्योर हरप्पा टाइम पीरियड में। एक तरीके का वेपन, एक तरीके का घर, एक तरीके का टूल्स ये लोग इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो एंटायर लाइफ स्टाइल था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म हुआ करता था इनका मच्योर हरप्पा के टाइम पीरियड में। द सेम टाउन प्लानिंग, द सेम सीज, द सेम टेराकोटा वर्क एटसेट्रा। टाउन प्लानिंग में दो डिफरेंसेस हमने देखा था कि ऑलमोस्ट जो टाउन प्लानिंग थे वो बेसिकली सारे जगह सेम थे। हरप्पा का बात करो, मोहनजोदारो का बात करो तो सेम था, लोअर टाउन और अपर टाउन हुआ करता था। लेकिन हमने दो एक्सेप्शन देखा, एक धोलावीरा का देखा और एक लोथल का देखा। धोलावीरा में हमने देखा कि दो टाउन सेटलमेंट नहीं था, यहाँ पे अपर टाउन था, यहाँ पे मिडिल टाउन भी था और अलोंग विद दिस एक लोअर टाउन भी था। यानी कि यहाँ पे अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन तीनों देखने को मिला। और अगर लोथल का बात करें तो लोथल में लोअर टाउन, अपर टाउन के फोर्टिफिकेशन के अलावा एक कंप्लीट फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिला है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज बीइंग सो यूनिफॉर्म इन हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन कल्चर, बट कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस था। लेकिन ऑलमोस्ट मच्योर हरप्पा टाइम पीरियड में हमें एक एक वेल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिला है थ्रू आउट। बाय द 19th century BC, द टू इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ हरप्पन कल्चर दैट इज हरप्पा एंड मोहनजोदारो, दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है हरप्पा एंड मोहनजोदारो, डिसअपियर्ड। धीरे धीरे करके ये डिसअपियर्ड हुआ, बट द हरप्पन कल्चर एट अदर साइट्स फेडेड आउट ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूड इन इट्स डीजेनरेट फॉर्म इन द आउटलाइन फ्रिंजेस ऑफ गुजरात, राजस्थान। यानी कि अगर बात करो तो सबसे पहले यहाँ का जो कल्चर एंड हुआ वो हरप्पा मोहनजोदड़ो से हुआ, हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो से। लेकिन और जो था कल्चर जो कि फैला हुआ था राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सब में ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे फेडेड हुआ, बहुत तेज रफ्तार से फेडेड नहीं हुआ। और फेड होने का कारण भी अलग अलग चीजों को बताया गया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देख लो, हम लोग बात कर ले कि रीजन ऑफ कोलैप्स, ये जो हरप्पन कल्चर कोलैप्स हुआ इसका क्या रीजन रहा। क्या क्या एक एक रीजन रहा जिससे आप ये बताओ कि हाँ भाई हरप्पन कल्चर कोलैप्स हुआ। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा रीजन जो बोला गया है वो रिवर को बोला गया है। याद करो जब हमने बात किया था कि हरप्पा सिविलाइजेशन बोस्ट हुआ, यानी कि हरप्पा सिविलाइजेशन जो फला फूला वो कहीं ना कहीं इंदस रिवर के कारण हुआ था।
और भी बहुत सारे रिवर के कारण हुआ था। जैसे रिवर के बिना, अगर रिवर नहीं रहता तो ये सिविलाइजेशन शायद पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज नेचुरल वेजिटेशन, रिवर, इन सब से सॉइल फर्टाइल रही होगी, लोग सेटल्ड लाइफ रहे होंगे, लोगों ने टाउन सेटलमेंट किया होगा। लेकिन जब ये रिवर कहीं ना कहीं सूखते जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है उसके पतन का। तो एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, मे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन द हरप्पन जोन, बोथ यमुना एंड सतलज मूव्ड अवे फ्रॉम सरस्वती और द हाकरा अराउंड 1700 BC। तो धीरे धीरे करके जो मेन रिवर्स थे, यमुना सतलज, वो पीछे की ओर जाते जा रहे थे, जिसके कारण वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा होगा। वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा होगा, सॉइल फर्टाइल नहीं रह पा रहा होगा, एग्रीकल्चर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया होगा। फिर रेनफॉल डिक्रीज होने लगा था कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली रेनफॉल डिक्रीज होता गया। फिर सम स्पीक ऑफ डैम फॉर्मेशन, और डैम फॉर्मेशन कहीं कहीं से हमें पढ़ने को मिलेगा कि हाँ भाई, डैम फॉर्मेशन भी एक रीजन था, क्योंकि जो डैम को बनाया गया था वाटर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, एक्सेसिव रेनफॉल के समय वही डैम क्या क्या होगा, बहुत भीषण फ्लड का कारण बना होगा। तो कहीं कहीं बोला जाता है कि अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा इस कल्चर के डिक्लाइनेशन का। फिर अब कॉमर्स कैसे कोलैप्स किया, ठीक, अब हम बात करेंगे ये जो कॉमर्स है ये कैसे कोलैप्स हुआ होगा। तो इसके लिए इस मैप को देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोलैप्स का बात कर रहे हैं। कोलैप्स का हम अलग अलग कारण देखे। पहला हमने देखा कि मे बी फ्लड, दूसरा कारण देखा, अगर देखा नहीं ये सो श्योर है, ह्यूमन बीइंग। तीसरा हमने देखा अर्थक्वेक हो सकता है। चौथा एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आया क्योंकि रिवर जो था वो क्या हो रहा होगा, सूखता चला गया होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं रेनफॉल डिक्रीज कर गया होगा, जिसके कारण क्या होगा, कल्चर जो था वहां पे डिक्रीज कर रहा था, कोलैप्स कर रहा था। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हरप्पा का जो ट्रेड था, हरप्पा का जो कॉमर्स था वो डिक्लाइन कर रहा है। अब बात करो, अगर ट्रेड डिक्लाइन करेगा तो ऑब्वियसली आपका जब ट्रेड डिक्लाइन करेगा तो इससे एक कॉमन पीपल की लाइफ में बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा, ठीक है। 2020 एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है, ठीक, कि 2020 में बहुत सारे कारण के रीजन, बहुत सारे चीजों के कारण कहीं ना कहीं ट्रेड डिक्लाइन कर रहा। ट्रेड डिक्लाइन करने से दूर दूर तक जो ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट थे डिफरेंट, उनको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा इसके कारण। बहुत सारी नौकरियां गई और बहुत सारे लोग जो अलग अलग चीजों पर डिपेंडेंट थे, उनका जीवन यापन काफी मुश्किल हो गया। तो ये तो भाई 2020 का मॉडर्न रीजन है, लेकिन ट्रेड कहीं के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो ये ट्रेड कोलैप्स कर रहा है। कल की क्लास में हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा था, तो हरप्पा का जो ट्रेड था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। हरप्पा का ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिशन, ये सारे लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, और व्यापार सिर्फ अपने कंट्री में नहीं लेकिन बाहर भी करते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बस मैं बताना चाहूंगी कि मेसोपोटामिया से लेकर के हरप्पा तक व्यापार हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो व्यापार हो रहा था वो इनसाइड इंडिया तो हो ही रहा था, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो व्यापार था आउटसाइड इंडिया भी हो रहा है। कल की क्लास में हमने बात किया था, ये जो यहाँ पे तुम देखोगे मेसोपोटामियन रीजन, यहाँ पे क्या था, यहाँ से व्यापार हो रहा था कहाँ पे,
मेलुहा तक, और मेलुहा क्या है, तो सिंध को एंसेंट टाइम पीरियड में मेलुहा कहते थे, यानी कि मेसोपोटामिया से ट्रेड हुआ दैट इज सिंध रीजन तक, मेलुहा तक। अब यहाँ का जो व्यापारी है मेसोपोटामिया का, ये आ रहा है यहाँ पे व्यापार करने। तो कल हमने दो स्टेशन के बारे में बात किया था, दिलमन और मक्कन के बारे में बात किया था। ये लोग यहाँ स्टे करता था, और यहाँ स्टे करने के बाद फिर आगे बढ़ता था, मेलुहा तक जाता था। यहाँ से ये रॉ मटेरियल लाता होगा, और यहाँ जा करके अपना रॉ मटेरियल दे करके यहाँ का जो सामान था वो अपने साथ वापस ले जाता होगा, राइट? ठीक उसी तरीके से तुम सोचो, ठीक उसी तरीके से यहाँ के जो व्यापारी होंगे वो यही इसी रास्ते से मेसोपोटामिया जाते होंगे, सुमेरियन रीजन में जाते होंगे, वहां व्यापार करते होंगे, यहाँ का सामान वो अपने साथ वापस लाते होंगे, ये चीज तो पक्का है। ओके, तो पहले क्या था, फुल फ्लेज्ड बहुत अच्छे से व्यापार चला आ रहा था बिटवीन हरप्पा एंड बिटवीन सुमेरियन, दैट इज मेसोपोटामिया के पास बहुत अच्छे से व्यापार चला आ रहा था बिना किसी रुकावट के। और यहाँ पे दो स्टेशन भी बना था जहां पे वो लोग स्टे करते थे व्यापारी अपने ट्रेड के अनुसार। लेकिन हुआ क्या कि लेटर ऑन स्लोली स्लोली यहाँ पे ईलम, ठीक है, ये जो एलम है वो डेवलप कर गया। यहाँ पे तुम देखो सुमेर के जस्ट यहाँ पे एलम क्या हुआ, डेवलप्ड स्टेट के रूप में बढ़ा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो व्यापारी होगा ये पहले इतना दूर आता था व्यापार करने के लिए, जब यहाँ पे नियर बाय उसको सारा सामान मिलेगा तो वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो अब क्या हुआ, एलम जैसा डेवलप्ड स्टेट तैयार हो रहा है जस्ट यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ के व्यापारी यहाँ नहीं आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से एलम चाह रहा है कि यहाँ का सारा चीज ये लोग खरीद ले, यानी कि यहाँ के ये जो मेसोपोटामिया का फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल दू टिन का, तो ये जो टिन है ये यहाँ नहीं आ रहा है, और ना ही यहाँ का जो फिनिश्ड गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सील का, तो ना यहाँ का सील यहाँ जा रहा है। तो वो लोग जो व्यापारी होंगे उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, कहीं ना कहीं जिनका जीवन यापन कंप्लीटली डिपेंड करता था इनके व्यापार के ऊपर, वो कंप्लीट कोलैप्स कर गया होगा। किसके आ जाने से, तो एलम के डेवलप करने से, ये फुल फ्लेज डेवलप किया। तो अब जो व्यापारी इधर से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से मेसोपोटामिया जा रहे हैं वो नहीं आ रहे, जिसके कारण व्यापारियों का अर्थव्यवस्था और इनडायरेक्टली सारे लोगों का बहुत ज्यादा चकनाचूर हो गया होगा। तो अब देखो कि इट अपियर्स दैट क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स कोलैप्स्ड बिकॉज़ द सडन एंड ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस लैंड एंड द सी ट्रेड विद मेसोपोटामिया। अब पहले तो कोलैप्स का कारण क्या है कि मेसोपोटामिया से जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। यहाँ से व्यापार होता था, यहाँ से व्यापारी यहाँ तक आते थे, दो स्टेशन पे स्टे करते थे, बनाया गया था दिलमन और मक्खन। लेकिन अब एलम के आ जाने से ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा है वो बंद हुआ। दिस ट्रेड इज लक्जूरियस, दिस ट्रेड इन लक्जूरियस आर्टिकल। अब कहाँ कहाँ पे ट्रेड हो रहा था, तो बहुत सारे लक्जूरियस आइटम्स का ट्रेड हो रहा था, जैसे कल के क्लास में हमने देखा था लेपिस लजूली बीड्स, इन सारी चीजों का व्यापार हो रहा था। लेकिन और ये सारी चीज कहाँ से पास हो रहे थे, मेसोपोटामिया से एलम, एलम से मेलुआ, मेलुआ मतलब सिंध। लेकिन अब क्या है, मेसोपोटामिया की जस्ट बगल में जो एलम है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कर गया। एलम क्या हो गया, एक पावरफुल स्टेट की तरह डेवलप किया, जहां से मेसोपोटामिया से एलम होते हुए जो व्यापार हो रहा था सिंध तक वो नहीं हुआ। अब सिर्फ यहां से यहां तक व्यापार हो रहा है,
जिससे इनको सिंध को करारा झटका लग रहा है। तो द एमर्जेंस ऑफ एलम एज अ पावरफुल स्टेट अराउंड 2000 BC इंटरप्टेड द सप्लाई ऑफ हरप्पन गुड्स टू मेसोपोटामिया एंड द मेसोपोटामियन इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग टिन टू हरप्पन सेटलमेंट। देखो ये मैप जरूर से याद कर लो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रू दिस यू विल गेट टू नो अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज लिंक्ड, जो ये बताता है जो हरप्पा का ट्रेड था वो कहीं ना कहीं अपने जोन से बाहर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। और अगर आपके दिमाग में ये मैप फिक्स रहेगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी चीजों को समझने में। अब बात करो बीट्स ऑफ हार्ड मटेरियल स्पेशली स्टोन वेयर मेड इन द हरप्पन जोन एंड सेंट आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या होता था, अगर मैं फिर से यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हरप्पा में फॉर एग्जाम्पल बीट्स बना और यहां से बीट्स बनने के बाद ये कहाँ जाता था, ये जाता था बाहर, दैट इज मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया से लेपिस लजूली और टिन ये कहाँ आता था, यहां से ये हरप्पा में आता था। तो आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ का फिनिश गुड्स मेसोपोटामिया और वहां का कुछ आइटम्स हरप्पा आ रहे हैं। लेकिन जब इलम डेवलप किया तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड हुआ ये कोलैप्स कर गया, ठीक। तो जिसके कारण जो यहाँ के मटेरियल बाहर जा रहे थे और मेसोपोटामिया का जो सामान इंडिया दैट इज हरप्पा आ रहा था उसमें रोक लगा। द ब्रेक इन देयर एक्सपोर्ट टू मेसोपोटामिया डिप्राइव द क्राफ्टमैन ऑफ देयर लाइवलीहुड। और यहाँ के जो क्राफ्टमैन डिपेंड करते थे बाहर के व्यापार से, बाहर के व्यापार जो सामान आते थे उससे ये लोग सामान बना के बेचते थे, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ होगा। तो उनका जो एक जीवन यापन था यहाँ के क्राफ्ट्समैन का, ये पूरा का पूरा तबाह हो गया होगा। सिमिलरली द ब्रेक इन द सप्लाई ऑफ टिन टू द वैली डेल्ट इन अ ग्रेट ब्लो द आर्टिशियन एंड एम्प्लॉयड इन द मेकिंग ब्रॉन्ज। अब टिन नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो ब्रॉन्ज के साथ ये लोग अलग अलग आइटम्स को मिक्स करके चीजें बनाते थे उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रेड फेलियर एक नजर आएगा। द एग्जॉशन ऑफ द सॉइल मे हैव डिमिनिश्ड सीरियल प्रोडक्शन एंड स्टार्व्ड अर्बन पीपल। अब कहीं ना कहीं सॉइल फर्टाइल नहीं रही ड्यू टू रिवर जो है वो बैक होते जा रहा है, रेनफॉल नहीं हो रहा और बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज हो रहे हैं जिसके कारण एग्रीकल्चर से भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड, क्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर सारी चीजें लगातार डिक्लाइन हो रही है। वंस एरिस्टोक्रेसी लिविंग इन द सिटीज फेल्ड टू एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर क्राफ्ट एंड कल्टिवेशन हरप्पन कल्चर कोलैप्स। और वो जो अपर टाउन में सिटाडल में लोग रह रहे थे वो क्यों कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रेड पे कंट्रोल था, लेकिन जब ट्रेड रिलेटेड गुड्स उनको मिलेगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर चला जाएगा और कंट्रोलिंग पावर चला जाएगा तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब मैच्योरिटी का बात करें कि हरप्पा ये जो टाइम पीरियड था, ये जो कल्चर था ये मैच्योर हुआ, ठीक। तो मैच्योरिटी का थोड़ा सा बहुत बात कर ले तो नियरली 2800 हरप्पन साइट्स हमें मिले हैं जिसमें से अर्ली एंड पोस्ट हरप्पन साइट, इसका आधे से भी ज्यादा हमको अर्ली और पोस्ट हरप्पन साइट्स मिला है, ठीक है। और अगर मच्योर हरप्पन का बात करो तो मच्योर हरप्पन साइट्स इतने मिले हैं हमें जिसमें से 616 हरप्पन साइट्स इंडिया में है। तो टोटल हरप्पन साइट्स ऑलमोस्ट इतने मिले हैं जिसमें से आधा इसका जो है वो कहीं ना कहीं अर्ली और पोस्ट हरप्पन साइट का है और 1022 साइट्स जो है वो मच्योर हरप्पन सेटलमेंट के बारे में बता रहा है
जिसमें से 406 आज पाकिस्तान में लोकेटेड है और 616 इंडिया में लोकेटेड है। तो ये नंबर आप याद कर लो कि कितना साइट हरप्पा का इंडिया में है और कितना हरप्पन सिविलाइजेशन का साइट पाकिस्तान में प्रेजेंट लोकेटेड है, इसके बारे में आप एक रफ फिगर तैयार कर लो। दो मच्योर हरप्पन साइट्स आर आउट नंबर्ड बाय द अर्ली एंड द पोस्ट हरप्पन साइट्स। बिकॉज ऑफ देयर अर्बन नेचर द टोटल एरिया ऑफ द मच्योर हरप्पन साइट इज लार्जर देन दैट ऑफ अर्ली एंड द पोस्ट। अब हरप्पन सिविलाइजेशन यूनिक क्यों है? देखो, जब कनिंघम को एक सील मिला, जब कनिंघम ने एक सील को डिस्कवर किया, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे सामने आने वाला है। किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि अभी और डिटेल में खुदाई होगी तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसे मिलेगी जो चौंका देने वाली होगी, जो खुद में यूनिक होगा। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर क्या एक ऐसा फैक्टर है जिससे तुम ये बता पाओ कि हरप्पन सिविलाइजेशन खुद में यूनिक था, ये सभ्यता और सभ्यताओं से भिन्न था, एकदम अलग सभ्यता था। तो भाई ऐसा क्या हुआ जो ये एक ऐसा सभ्यता दूसरे सभ्यताओं से बिल्कुल अलग हुआ? तो देखो, बात कर लो, सबसे पहला अगर इसका बात करूं तो वेल प्लान्ड ग्रोथ, ठीक है, यहाँ के जो टाउन थे ये टाउन सेटलमेंट था, है ना? यानी कि हरप्पा किसके लिए फेमस है? टाउन के लिए, चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल। तो चालकोलिथिक पीरियड रिस्पॉन्सिबल है विलेज के लिए, ठीक है। लेकिन बात करो ब्रॉन्ज एज का, बात करो हरप्पा का, तो टाउन के लिए फेमस है। अब हरप्पा का जो टाउन मिला है वो वेल प्लान्ड मिला है, मेसोपोटामिया और अलग अलग सिविलाइजेशन से ज्यादा प्लान, वेल प्लान्ड सिटी हमें हरप्पा की मिली है। अब कैसे बता सकते हैं कि हरप्पा की जो सिटी है वो वेल प्लान्ड है? तो अगेन इस 3D पिक्चर को देखो, यहां पे सबसे पहले तो ये डिवीजन हुआ है अपर टाउन का, लोअर टाउन का, इसको फोर्टिफाइड किया गया है, ठीक है, अलग 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 किलेबंदी किए गए हैं इसको। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का, यानी कि ये जो रूलिंग लोग हैं वो यहां रहते थे, रूलिंग पीपल। यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो जितनी भी स्ट्रीट है वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही है, यानी कि ये ग्रिड पैटर्न का बना हुआ है। उसके बाद तुम देखो यहाँ पे जितने भी तुमको घर देखने को मिलेंगे वो रेक्टेंगुलर सरफेस मिलेगा तुमको, यानी कि जितना भी रूफ है वो रेक्टेंगुलर सरफेस का मिलेगा, रेक्टेंगुलर है, यानी कि वेल मेंटेन्ड इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता था। फिर सबसे यूनिक बात ये रही कि ये पूरा प्लान्ड था। प्लान्ड का मतलब है कि पहले इसका जो टाउन है उसका बेस को डिजाइन किया गया था, नीव को डिजाइन किया गया था, और उस बेस के बेसिस पे पूरे के पूरे टाउन को कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ का जो ड्रेन था, ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों को पहले बनाया गया और नालियों के अनुसार यहाँ के टाउन अलग अलग चीजों को सेटल किया गया कि भाई ग्रेनरी कहाँ होगा, कहाँ पे शॉप्स होंगे, कहाँ पे घर होगा, ये सारी चीजें। तो ये बताता है कि ये वेल प्लान्ड था जो और सभ्यताओं में नहीं देखने को मिला है। फिर यहाँ के घरों का बहुत स्पेशल चीज ये था कि कोई भी विंडो, नो विंडो। अब ये नो विंडो क्यों? क्योंकि ये प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। दूसरा, हर एक घर में क्या था? अपना एक वेल था, प्रॉपर ड्रेनेज था,
सारी चीजें थी इनके पास। तो ये बताता है कि ये लोग बहुत ज्यादा क्लेनलीनेस पे फोकस करते थे। और अगर तुमको याद होगा, अगर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ने बहुत सारा अट्रैक्शन गेन किया है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, ये एक घर है और ये एक घर है और ऐसे ऐसे बहुत सारे घर हैं। तो हर एक घर से एक नाली, यानी कि हर एक दीवार, हर एक घर की दीवार से एक नाली निकलता था बाहर की ओर, जो यहाँ के वेस्ट प्रोडक्ट को एक बाहर जो बड़ी नाली होती थी उससे जा करके मिलाता था। और ये जो बड़ी नालियां होती थी वो एक स्ट्रीट, ये जो मेन स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट में 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलता था। तो यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि ये लोग क्लेनलीनेस, हाइजीन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। दूसरी बात ये है कि इनके जो ड्रेनेज सिस्टम थे, ये जो नालियां हुआ करती थे, ये लूज स्टोन से ढके हुए, स्टोन स्लैब से ढके हुए होते थे। यानी कि ऐसा प्रावधान था कि जब गंदगी भर जाए तो इस लूज स्टोन को हटा करके इस पूरे के पूरे नालियों को क्लीन किया जाता था। तो ये सारे कुछ ऐसे चीज हैं जो बताते हैं हरप्पा खुद में एक बहुत यूनिक सभ्यता रहा और सारी सभ्यताओं को चैलेंज करता हुआ, जो उस समय का कंटेम्प्ररी था, ये हमारे सामने उभर करके बाहर आया। तो यूनिकनेस का बात करो तो हरप्पन सिटीज आर इंडिकेटिव ऑफ वेल प्लान्ड ग्रोथ, बट देयर मेसोपोटामियन काउंटर पार्ट्स शो हैपोजर्ड ग्रोथ। तो अगर तुम बात करो हरप्पा का, तो वेल प्लान्ड टाउन है, ठीक। लेकिन अगर बात करो और इनके जो कॉन्टेम्प्रेरी रहे सिविलाइजेशन, वहां पे हैपोजर्ड ग्रोथ नजर आया। रेक्टेंगुलर हाउसेस है, हाउसेस क्या थे, रेक्टेंगुलर होते थे, उसके रूफ पैरेलल होते थे, एक दूसरे के पैरेलल में होते थे। विथ ब्रिक लाइंड बाथरूम एंड वेल्स टुगेदर विद देयर स्टेयरवेज आर फाउंड इन द हरप्पन सिटीज। और बहुत सारे घर मिले जो टू टू स्टोरीज बिल्डिंग तक हमें मिला है। बट सच टाउन प्लानिंग इज नॉट एविडेंट इन द सिटीज ऑफ द वेस्टर्न एशिया। मतलब यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग मिला है वो और सारी जगहों पे नहीं मिला है, जो कि इसके यूनिकनेस को दर्शाता है। नो अदर पीपल इन एंटिक्विटी हैड बिल्ट सच एन एक्सलेंट ड्रेन सिस्टम, नॉर डिड द पीपल ऑफ वेस्टर्न एशिया शो सच स्किल इन द यूज ऑफ वन ब्रिक्स एज डिड द हरप्पन। अब हरप्पा बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, टाउन प्लानिंग हरप्पा का, फिर हरप्पा का ड्रेनेज सिस्टम, या फिर तुम बात करो हरप्पा का ग्रेनरी के बारे में, हरप्पा के ग्रेट बाथ के बारे में। और हर जगह यहाँ का जो ब्रिक वर्क था, ये जो बर्नड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, ये काबिले तारीफ रहा है। और सारे के सारे सिविलाइजेशन में कहीं पे भी इतने प्रचुर मात्रा में, इतने अच्छे से यहाँ पे ब्रिक वर्क का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा गया, बर्नड ब्रिक्स का। द हरप्पन प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉटरीज, इनके जो पॉटरीज होते थे इनका एक अपना फीचर होता था, कहीं से कॉपीड नहीं था। यहाँ का सील इनका अपना एक होता था, स्क्रिप्ट जो है इनके ओन स्क्रिप्ट होते थे, जो किसी और सभ्यताओं से टैली नहीं करता। नो कंटेम्प्रेरी कल्चर स्प्रेड ओवर सच अ वाइड एरिया एज डिड द हरप्पा। हरप्पा जितने वाइड एरिया में फैला रहा, वैसा कोई भी कल्चर नहीं रहा जो इतने वाइड एरिया में फैला हो। ओके, अब पोस्ट हरप्पन फेज के बारे में बात कर ले हम लोग, कि पोस्ट हरप्पन फेज, सॉरी पोस्ट अर्बन फेज कैसा रहा। तो हरप्पन कल्चर सीम्स टू हैव फ्लरिश्ड अंटिल 1900 BC। सम ट्रेस ट्रेट्स ऑफ पोस्ट अर्बन हरप्पन कल्चर आर टू बी फाउंड। ये सब आप याद करेंगे, याद करने के लिए है कि पोस्ट अर्बन हरप्पन कल्चर कहाँ कहाँ पे देखने को मिला। पाकिस्तान, फिर पंजाब, राजस्थान, इन सारी कुछ एरियाओं में हमें पोस्ट अर्बन हरप्पन फेस देखने को मिला।
They broadly cover the period from 1900 to 12,000 BC. The post-urban phase of Harappan culture is also known as sub-Indus culture and was earlier considered post-Harappan, but now is better known as post-urban Harappan culture. So, ye aap yaad kar lo, ye bahut zaruri hai. Post-urban Harappan culture were primarily Chalcolithic in nature, which used tool of stone and copper. So, jo post-urban Harappan culture tha, वो चालकोलिथिक नेचर का था. ओके, व्हाई आई एम टेलिंग चालकोलिथिक नेचर, क्योंकि कहीं कहीं पे यहाँ पे देखने को मिला कि ये लोग स्टोन प्लस कॉपर का इस्तेमाल करके दे यूज टू मेक टूल्स, यानी कि जो पोस्ट अर्बन हरप्पन कल्चर है ये चालकोलिथिक कल्चर है. क्यों भाई चालकोलिथिक कल्चर है? बिकॉज देखने को मिला है कि दे यूज बोथ स्टोन एंड कॉपर, दोनों का इस्तेमाल करते थे ये लोग टूल्स बनाने के लिए. ओके, दे डिड नॉट हैव मेटल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायरिंग कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग, यानी कि बहुत सारे मेटल ऑब्जेक्ट का ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे जहां पे कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल हुआ करता होगा. द चालकोलिथिक पीपल इन द लेटर पोस्ट अर्बन फेज लिव्ड इन विलेजेस सब्सिस्टेंस ऑन एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग. सम प्लेसेस सच एज प्रभास पटन, सोमनाथ एंड रंगपुर, दोनों गुजरात में है, आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द हरप्पन कल्चर. अब यहाँ पे कुछ कुछ प्लेसेस गुजरात में मिले हैं जहां पे बोला जाता है यहाँ के लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है कहाँ के, हरप्पन कल्चर का. हाउएवर अहर, नियर अहर अगर राजस्थान का बात करो तो ओनली अ फ्यू हरप्पन एलिमेंट्स आर फाउंड, बहुत सारा हरप्पन एलिमेंट्स वहां से नहीं मिला है हम लोगों को. फिर गीलन विच सीम्स टू हैव बीन अ रीजनल सेंटर ऑफ अहर कल्चर, बीन इवन हैज ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे बी प्लेस्ड बिटवीन 2000 एंड 1500 बीसी. अब पोस्ट हरप्पा का पोटरीज के बारे में बात कर ली कि अब जब पोस्ट हरप्पा का बात कर रहे हैं, कल्चर स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं फेड हो रहा है, फिर स्प्रेड भी होता है कि एक कल्चर मच्योर हुआ दूसरे जगह तक फैला. तो इन सारी चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं पोस्ट हरप्पा का पॉटरीज के बारे में कि पोस्ट हरप्पा पॉटरीज कैसा हुआ करता था. तो शुरुआत में याद करो ये लोग बहुत सारे अलग अलग पॉटरीज बनाते थे जहां पे सर्कुलर पैटर्न होता था, ड्रॉ पिक्टोरियल फॉर्म होता था, फिर बहुत सारे पॉटरीज एक डिस्क के प्लेटफॉर्म पे रेज्ड होता था, ये सारा चीज हमने देखा. फिर अभी हम जो पॉटरीज के बारे में बात करेंगे वो पेंटेड हरप्पन पॉटरी फाउंड इन द लेट और पोस्ट हरप्पन सिटीज सॉरी साइट्स इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरिया इज रिप्लेस्ड विद द इंट्रिकेट डिजाइन ऑल्दो देयर आर सम न्यू पॉट फॉर्म्स, यानी कि पॉट के फॉर्मेशन में भी अलग अलग डिस्कवरी हुआ. फिर सम लेट हरप्पन पॉट फॉर्म्स आर फाउंड इंटरलॉक विद द पेंटेड ग्रे वेयर रिमेन्स एट भगवानपुरा, बट बाई दिस टाइम द हरप्पन कल्चर सीम टू हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ कंप्लीट डाइल्यूशन. कुछ कुछ पॉट्स हमें अलग अलग लोकेशन से मिले हैं बट एट दैट टाइम पीरियड तक यहाँ पे जो हरप्पन कल्चर था वो अपने डिक्लाइन के कगार पे था. In the post-urban Harappan phase, no object of measuring length has been found. यानी कि शुरुआत में हमने देखा कि they use weight and measurement बहुत अच्छे तरीके से व्यापार करने के लिए, लेकिन post-Harappan phase में ऐसा कुछ measuring object नहीं मिला है. In Gujarat, cubical stone weights and terracotta cakes were absent in the late period. यानी कि even Gujarat से भी बहुत सारे weight जो मेजरमेंट के टूल्स थे वो गायब है, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि वेदर दे क्या तकनीक का वो लोग इस्तेमाल करते थे व्यापार के लिए. जनरली ऑल पोस्ट अर्बन हरप्पन साइट्स लैक ह्यूमन फिगरीन्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक पेंटेड डिजाइन्स. ओके, ऑल्दो फेंस वेंट आउट ऑफ फैशन इन गुजरात, इट वॉज फ्रीली यूज इन नॉर्थ इंडिया. अब
यहां तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है एक क्विक रिकैप्चुलेट करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के टॉपिक और कल के टॉपिक्स को कवर करता हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। कल के भी क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कशन किया है। अभी तक आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ऑन द टॉपिक दैट हैव बीन टॉट, प्लीज डू आस्क योर डाउट। Yes, do ask your doubt if there is any doubt. Otherwise, we will be quickly recapitulating the thing that we have done today. चलो फिर आपका कोई भी डाउट है डू आस्क योर डाउट। ओके चलो, आज के क्लास में हमने हरप्पन सिविलाइजेशन को और डिटेल में पढ़ाई किया। अभी तक हमने हरप्पन सिविलाइजेशन का तीन पार्ट कवर किया, जहां पहले पार्ट में हमने एक्सकेवेशन के बारे में और कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग के बारे में देखा, जहां पे हमने ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज के बारे में देखा था। उसके बाद हमने जो एक और हमने फेज देखा पार्ट टू में हमने सोसाइटी कैसी थी हरप्पा की, हरप्पा में पॉलिटी कैसा था, हरप्पा में एग्रीकल्चर कैसा था, हरप्पा में इकोनॉमी कैसा था, इन सब पे डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हमने बात किया हरप्पा के स्क्रिप्ट के बारे में, हमने बात किया हरप्पा के रिलीजियस नेचर के बारे में। ओके, फिर हमने बात किया सील के बारे में, इमेज के बारे में। आज के क्लास में हमने और भी चीजों पे फोकस किया, जैसे कोलैप्स का क्या कारण था, यानी कि ये जो कल्चर था वो डिक्लाइन क्यों किया। ठीक है, इसका दो रीजन हमने देखा, एक कॉमर्स के फील्ड में, दैट इज इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, और ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, या फिर बात करो फ्लड का। ओके, ये यहां पे लिख देती हूं मैं। यहाँ पे देखो डिक्लाइन का बात किया हमने, तो डिक्लाइन में हमने दो चीजें बात की, एक तो हमने कॉमर्स कोलैप्स का बात किया और एक हमने बात किया कॉमर्स कोलैप्स के अलावा यहाँ पे और भी सारे फैक्टर्स थे, जहां पे रिवर का रोल रहा, फ्लड का रोल रहा, जहां पे अर्थक्वेक के बारे में हमने बात किया, और हमने कहीं ना कहीं बात किया कि कैसे वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ऐसा हुआ होगा, और अलग अलग फैक्टर्स को हमने डिस्कशन किया, जहां पे कुछ हमने मच्योर हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखा, उसके बाद कैसे ये धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला गया इसके बारे में देखा। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने बात किया, अगर रिलीजियस का बात करो, जहां से हमने आज का क्लास शुरू किया, तो हरप्पा का जो रिलीजियस नेचर था वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हरप्पा के रिलीजियस नेचर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कहीं से भी टेम्पल नहीं मिला। ओके, यानी कि मंदिर का इंसिडेंस हमें कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ गॉड और गॉडेसेस की मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो एनिमल वर्शिपर थे, वो ट्रीज को फॉलो करते थे, वो कहीं ना कहीं नेचर को मानते थे, और ये जो डीटीज मिला हमें गॉड गॉडेसेस का वो किसी मंदिर से नहीं मिला। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो लोग मंदिर में पूजा करते थे, नो ऐसा कहीं पे भी ये नहीं है। और एनिमल्स हमें एलिफेंट, राइनोस,
उसके बाद हमें कहीं ना कहीं बम ये क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं हमें यूनिकॉर्न जानवर मिले जिसके एक सिंह होते थे, हम्प्ट बुल मिला, ओके, ये सब कुछ जानवर मिले। और फिर एक हमने मेल डीटी के बारे में बात किया था रिलीजियस नेचर में, जो कि एक योगी के पोज में बैठे हुए हैं, जिनके आसपास बहुत सारे जानवर हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग मेल डीटी को पूछते थे, और उस जो देवता थे उनका एक एग्जाम, उनको एक कंपेयर किया गया पशुपति महादेवा के साथ, ओके। फिर दूसरा हमने देखा कि गॉडेसेस को भी ये लोग मानते थे, जहां से एक हमें एक ऐसा सील मिला है जहां पे एक फीमेल के भ्रूण से, ठीक, एक पेड़ का उत्पत्ति हो रहा है, जिससे ये बताया जाता है ये जो फीमेल है वो मदर अर्थ को डिस्क्राइब कर रही है। लेकिन इसे ये नहीं बता सकते कि हरप्पा का जो टाइम पीरियड था वो मैट्रियार्कल था या पैट्रियार्कल था, ओके। उसके बाद हमने बात किया हरप्पा के स्क्रिप्ट के बारे में, तो हरप्पा का जो स्क्रिप्ट हुआ करता था वो पिक्टोग्राफिकल होता था। स्क्रिप्ट का क्या था? स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिकल था, ठीक है, स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिकल मतलब पिक्चर फॉर्म में होता था, ओके। फिर ये लोग शॉर्ट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, बहुत ज्यादा लॉन्ग राइटिंग का इस्तेमाल नहीं करते थे। बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट हुआ करता था वो प्रॉपर्टीड मैन के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा टू सेफ गार्ड देयर प्रॉपर्टी। मेसोपोटामिया और इजिप्ट का जो स्क्रिप्ट मिला है वो काफी लॉन्ग स्क्रिप्ट मिला है, लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्ट स्क्रिप्ट पिक्टोरियल फॉर्म में देखने को मिला। यहाँ के स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं किया गया है, इसको रीड नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ का जो स्क्रिप्ट हम लोगों को मिला वो कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया अलग अलग लैंग्वेज से, द्रविडियन लैंग्वेज से, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज से और संस्कृत से, जो कि पता चला नो, यहाँ पे मैच नहीं करता है। फिर यहाँ के बारे में हमने जब सील के बारे में देखा, तो यहाँ का सील एक बहुत यूनिक फीचर रहा यहाँ के सील का। अब यहाँ के सील का यूनिक फीचर क्यों रहा? क्योंकि यहाँ के सील से यहाँ का कल्चर बैकग्राउंड देखने को मिला। जैसे अगर एक सील में हमें हम्प्ट बुल देखने को मिला, तो यहाँ से पता चलता है वहां का रिलीजियस नेचर, वहां का कल्चर, जहां पे बहुत अलग अलग लेटर्स लिखे होते थे और बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता था सील्स में, और ये सील अलग अलग चीजों के बने होते थे। फिर इमेजेस में हमें बहुत सारे इमेज टेराकोटा इमेज भी मिले, मेटालिक इमेज भी मिला, ठीक है। फिर सोप स्टोन का भी इमेज हमें मिला, जहां पे डांसिंग गर्ल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें मिली है, जिसका फीचर है कि ये नेकलेस इसने पहना हुआ है और नेकेड है। फिर एक मेल मिले हैं जो सोप स्टोन से बने हुए हैं, जिन्होंने एक शॉल जैसा पोशाक पहना हुआ है। उसके बाद हमें जो टेराकोटा का इमेज मिला, टेराकोटा के इमेज से ये पता चलता है ये जो टेराकोटा का इमेज था, जहां पे स्टोन, सॉरी, जहां पे एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब बने होते थे, इससे जो लोग थे वो कॉमन पीपल यूज करते थे, यानी कि सोसाइटी का डिफरेंसेस देखने को मिला। और जो ब्रॉन्ज या फिर मेटल और सोप स्टोन का इमेजेस बना होता था वो बेसिकली अपर टाउन के लोगों के लिए बना होता होगा। उसके बाद हमने बात किया कहीं ना कहीं डिक्लाइन का, कि जो हरप्पन फेज था वो डिक्लाइन किया। अब डिक्लाइन के लिए हमने अलग अलग कारण पढ़ा कि हरप्पा टाइम पीरियड में डिक्लाइन का क्या क्या कारण रहा होगा। तो हरप्पन टाइम पीरियड में डिक्लाइन का कारण रहा, सबसे पहले तो नेचुरल, नेचुरल का बात करो तो नेचर के थ्रू डिक्लाइन इसका शुरू हुआ। जैसे फ्लड आया होगा, जिसके कारण ये जो सभ्यता था ये अपने डिक्लाइनेशन के एकदम सीमा पे पहुंच चुका था, जिसने पूरे के पूरे इस कल्चर को डिक्लाइन करा दिया। उसके बाद जो रिवर है, बेसिकली ये रिवर क्या था, रिवर सूखते जा रहा है, ओके, रिवर सूखते जा रहा है, इन द सेंस
ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो रिवर पे डिपेंड था, चाहे वो एग्रीकल्चर चाहे वो सॉइल, वो उसको फर्टाइल बनाता था। बट जब रिवर बैक होते जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम का केंद्र है। उसके बाद रेनफॉल लगातार डिक्रीज हो रहा था। लेस रेनफॉल के कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर उतना ज्यादा नहीं हो पाया, जो कि एक प्रॉब्लम का सोर्स था। फिर बहुत सारे जगह लोगों का मानना है कि अर्थक्वेक आया होगा, जिससे पूरा का पूरा कल्चर नष्ट हो गया होगा। और अलग-अलग एनालॉगी पे हम बात करते हैं, जहां एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कॉमर्स, कि यहाँ का कॉमर्स डिक्लाइन कैसे किया होगा। तो बेसिकली मेसोपोटामिया और यहाँ पे सिंध के बीच में व्यापार हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एलम का बन जाना एक डेवलप्ड स्टेट कहीं ना कहीं रोक रहा है मेसोपोटामिया और सिंध का आपस में ट्रेड। ये हमने डिस्कशन किया, और जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो क्राफ्टमैन थे, उनको एक बहुत करारा झटका लगा होगा जब मेसोपोटामिया का प्रोडक्ट इन लोगों को नहीं मिल रहा। मेसोपोटामिया से इन लोगों को टिन नहीं मिल रहा, जिससे वो और सारे सामान बनाते थे, और अपना जो सामान प्रोड्यूस किया है ये मेसोपोटामिया में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डाउन सेक्शन रहा, जो कि डाउनफॉल करा दिया पूरे के पूरे वहां के कॉमर्स को, जहां पे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सहने को मिला। ओके, तो आज की क्लास में हमने इन सारी चीजों पे डिस्कशन किया। कल का क्लास जो रहेगा हमारा पार्ट फोर्थ रहेगा हरप्पन सिविलाइजेशन का, जहां पे प्रोबेबली हम फोकस करेंगे आर्यंस के बारे में, कि कैसे आर्यंस आया, वो एक रीजन रहा यहाँ के डिक्लाइनेशन का, और अलग अलग जो एक फेज रहा है इसका पोस्ट हरप्पन पीरियड का या फिर लेट हरप्पा पीरियड का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, अभी तक हमने जितना भी अभी यहाँ तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप जरूर पार्टिसिपेट करें, आपका बहुत ज्यादा बेटरमेंट होगा इससे। चलो, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के लिए कौन सा ऐसा मैच है जो तुमको लगता है सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट, आप बताओ। एम रफिक मुगल, हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब एम रफिक मुगल का कहना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये ईजे एच मैकहे का कहना है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। उसके बाद मोर्टिमर का कहना है कि माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, और अमल आनंदा घोष का मानना है कि प्री हरप्पन कल्चर मच्योर्ड मेक हरप्पन सिविलाइजेशन। कौन सा चार चीज एक दूसरे से करेक्टली मैच नहीं कर रहा, बताओ। ये हमने डिस्कशन ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ डिस्कशन पे डिस्कस किया है कि एमा रफीक का ये मानना नहीं है कि हरप्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इनका मानना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन खुद से बनाया बना हुआ सिविलाइजेशन है, बिना किसी सिविलाइजेशन ने इसे इंस्पायर किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। देखो, अबाउट द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, बाकी सारे लोगों का कहना सही था, लेकिन अगर तुम बात करो एम एफ रफीक मुगल का, तो हैज कंसीडर्ड दैट द डेवलपमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन अकर्ड इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हरप्पा। ही रिफ्यूट्स द ओल्ड बिलीफ, इन्होंने कंप्लीट इनकार किया कि भाई हरप्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस है। इन्होंने इस चीज को नकारा, और ये नहीं मानते थे कि हरप्पा का सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से मिला है या फिर इंस्पायर हुआ है। तो इसका ऑप्शन वन जो है करेक्टली मैच नहीं है। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सिल्वर का एविडेंस किस कल्चर में मिला हमें। हरप्पन कल्चर में मिला, चालकोलिथिक कल्चर में मिला, वैदिक टेक्स्ट के थ्रू, या फिर सिल्वर पंचमार्क क्वाइन के थ्रू, बताइए किसके थ्रू मिला।
कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऑब्वियसली हमें हरप्पन कल्चर में ये देखने को मिला है, बहुत सारे साइट्स के थ्रू ये देखने को मिला है कि सिल्वर का इस्तेमाल ये लोग करते थे, ज्वेलरीज बहुत सारी मिली है। तो हरप्पन वे नोन टू सिल्वर, द एविडेंस ऑफ देयर प्रॉपर यूज आर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड हरप्पा। These people used to get silver from the mines of Jawar and Ajmer of Rajasthan. Other sources of silver were Afghanistan or Iran. तो ये जो हरप्पा और मोहनजोदड़ो में है, ये अलग अलग जगह से सिल्वर आता था इनके यहाँ और ये लोग ज्वेलरीज वगैरह में इस्तेमाल करते थे इसका। The earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from, see this is very important question for all the commission examination, ठीक है। तो सबसे पहला domestication का, animal domestication का हमारे पास उदाहरण आया है, ये कहाँ से आया है, किसके थ्रू आया है? अंजीरा से आया, दाम सदत से आया, किली गुल मोहम्मद से आया, मेहरगढ़ से आया, कि कहीं से नहीं आया या फिर एक से अधिक जगह से आया। तो याद करो जब हम लोग बात कर रहे थे नियोलिथिक पीरियड का या फिर कुछ कुछ मिसोलिथिक पीरियड का, तो हमने एक साइट के बारे में बोला था और यहाँ के बारे में बताया था, तो बोला था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट। तो कहाँ से एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिला है? तो दैट इज नो अदर देन मेहरगढ़, ओके। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन फर्स्ट हमें मेहरगढ़ के थ्रू देखने को मिला। मेहरगढ़ इज अ नियोलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बेलोन पास ऑन द कराची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान। काची प्लेन, बार बार हमने काची प्लेन का बात किया था, तो बलूचिस्तान टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रेवी सॉरी रिवर वैली। मेहरगढ़ इज नाउ सीन एज अ प्रीकर्सर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्प्लेइंग द होल सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट सेटलमेंट एंड द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर टू द मच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन। यानी कि एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन सब कुछ पहले मेहरगढ़ पे आया था और फिर ये मच्योर हरप्पा तक फैला। Meherganj is one of the earliest site with the evidence of farming and herding in South Asia. It is farming. Which color was commonly used for Harappan pottery? Harappan pottery के लिए किस कलर का बहुत ज्यादा यूज करते थे? Red, blue, grey, blue या yellow? आज के भी क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, बताओ। तो दे यूज रेड कलर अलॉट इन देयर पॉटरी, ओके। तो द हरप्पन पॉटरी इज ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टूडी एंड वेल बेग्ड। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड पेंटेड। द प्लेन वेयर इज यूजुअली ऑफ रेड क्ले विथ और विदाउट फाइन रेड स्लिप। द पेंटेड पॉटरी वॉज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर्स। सेवरल मेथड्स were used by people for decoration of potteries. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with geometric pattern. To ye aap yaad rakhe ki they used red color throughout of their pottery very much. The beginning of the idol worship is to be considered. Kab consider kiya jayega idol worship? Pre-Aryan, Mauryan period, Vedic period, Kushan period. Pre-Aryan, Aryan से पहले का जो time period था Indus का वो, या फिर Mauryan period को, या फिर Vedic period को, या फिर Kushan period को, कहाँ पे हमने idol worship मूर्ति पूजन देखना शुरू किया? तो याद करो Indus के time period में बहुत सारे excavation में god और goddesses की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, जिससे आज के टाइम पीरियड के गॉड गॉडेसेस को कंपेयर किया जाता है। तो दैट मीन्स प्री आर्यन पीरियड है ना। द प्री आर्यन पीरियड इज कंसीडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द आइडल वर्शिप।
Idol worshipping was prevalent in the civilization, and it is evident from the coin discovered from Mohenjo-daro having the seal of God. They probably worshipped mother goddesses in addition to male and female deities. तो यहाँ पे तुम देखो तो प्री आर्यन पीरियड में हमें आइडल वर्शिप का सोर्स देखने को मिला. ओके नाउ थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीबॉडी आज के वीडियो को देखने के लिए. आप जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस वीडियो को जरूर दोबारा देखें ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए. और थैंक यू ऑल. लेट्स क्रैक झारखंड एग्जाम को जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा रेफरल कोड PSYT का इस्तेमाल कीजिए. कोई भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, आप मेरा रेफरल कोड PSYT यूज करिए और आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ओके आज का जो टॉपिक है, जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने क्वेश्चन को रख सकते हो. वी आर देयर टू सॉल्व योर डाउट. ओके तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट, आस्क योर प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. और हमारे टेलीग्राम पेज को भी आप जरूर ज्वाइन करें. थैंक यू ऑल. कोई कमेंट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो. ओके चलो थैंक यू ऑल.